वेलकम बैक गाइस नेक्स्ट जो हम कर रहे गाइस दैट इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वेटेज आप फाइव टू सेवन मार्क्स फाइव टू एट मार्क्स का फॉरेन ट्रेड पॉलिसी गाइस आपने सुना रहेगा आपके पीयर से या, आपके सीनियर से गाइस आपने सुना रहेगा कि बहुत ड्राई टॉपिक है है थोड़ा सा ड्राई टॉपिक है बिकॉज इसमें भी गाइस बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ जारगंस है तो जैसे कस्टम्स में कितने नए नए वर्ड्स आ रहे थे गाइस वैसे ही फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में नए नए वर्ड्स आते जाएंगे तो इसके लिए ना गाइस ये बोरिंग हो जाता है गाइस अच्छा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी गाइस मैं आपको बता दू दिस इज इट्स अ प्रैक्टिस इट्स इट्स अ प्रैक्टिस का मतलब क्या है सर कि जैसे लोग इनकम टैक्स में प्रैक्टिस करते हैं लोग ऑडिट में प्रैक्टिस करते हैं वैसे गाइस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में लोग प्रैक्टिस करते हैं तो आप इससे विजुअलाइज इससे एक आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा रहेगा ये और सिर्फ पांच या आठ मार्क्स से अगर पूछना है तो दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट जब आपको बहुत बड़ा लगेगा और आता सिर्फ फाइव या एट मार्क्स आइए एनी एनीवेज़ चलो वील we'll ट्राई कि मैं इसको काइस स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में इसको डिवाइड करूं ठीक है और आप ना गाइस डोंट लुक एट कि मेरे को पूरा आ जाएगा ऐसा नहीं स्मॉल 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 पार्ट्स आप समझते जाओ गाइस लिंक जोड़ते जाओ टुवर्ड्स दी एंड एक बार आप पूरा लेक्चर सुन लोगे ना उसके बाद आपको ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाएगा हैविंग सेड दिस गाइस लेट्स स्टार्ट विद फॉरेन ट्रेड पॉलिसी शायद से आपने पहले सुना रहेगा एक्सिम पॉलिसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी यस आज के डेट पे उसका नाम बोला जाता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी सर जबी भी एक नई गवर्नमेंट आती है तो वो नई गवर्नमेंट वो डिसाइड करेगा ना सर कि उसके फॉरेन ट्रेड फॉरेन ट्रांसक्शन कैसे करने है? तो सर ये जो पॉलिसी है गाइस ये पॉलिसी पांच साल के लिए होती है जनरली जब भी नई गवर्नमेंट आती है उसकी अपनी एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रहती है तो अर्लियर इट यूज टू बी फोर्टीन टू थाउजेंड फोर्टीन टू टू थाउजेंड नाइनटीन बट वो चेंज करके उन्होंने टू थाउजेंड 2015 से 2020 कर दिया था एंड बिकॉज ऑफ दिस कोरोना एवरीथिंग वो एक साल से और एक्सिड भी हो गया है तो 31 मार्च 21 तक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज वैलिड ओके सर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है क्या सर ये पॉलिसी है क्या सर इट इज नथिंग बट अ सेट ऑफ गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन इश्यूड बाय द गवर्नमेंट इन मैटर्स रिलेटेड टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स दैट इज फॉरन ट्रेड सर गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस है गवर्नमेंट के क्या इंस्ट्रक्शन है विद रिस्पेक्ट टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दैट इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अच्छा सर फॉरन ट्रेड पॉलिसी सर इज दिस पॉलिसी क्या ये पॉलिसी डिसाइड करेगा कि मेरे को कितना रेट आएगा कि अगर मैं प्रोडक्ट अगर मैं प्रोडक्ट को इंपोर्ट करूं तो क्या रेट आएगा नहीं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ये रेट डिटरमाइन करने के लिए नहीं है सर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आपको यह बताएगा कि कौन से प्रोडक्ट्स आप इंडिया में लेके आ सकते हो कौन से प्रोडक्ट्स इंडिया में नहीं लेके आ सकते वो सब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी डिसाइड करेगा तो गाइस अपने पास दो मिनिस्ट्री है एक है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ विज कर सकते हो कॉमर्स ट्रेड एंड कॉमर्स उसके लिए एक मिनिस्ट्री है और एक मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का मैटर किसको देना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को अच्छे से विजुअलाइज करके आपने बोल दिया रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को ये डिसाइड करेंगे ना कि कौन से प्रोडक्ट्स इंडिया में आने चाहिए कौन से नहीं आने चाहिए कौन से एक्सपोर्ट होने चाहिए कौन से नहीं होने चाहिए ये ये डिसाइड करेंगे इनका पर्पज रेवेन्यू नहीं है बेटा रेवेन्यू नहीं है इनका पर्पज दे वॉन्ट टू रेग्युलेट दे वॉन्ट टू कंट्रोल फॉरिन ट्रेड तो गाइस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो एक्ट से आता है द गवर्निंग एक्ट इज फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट नाम से ही कितना मतलब निकलेगा फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट अच्छा तो सर ये एक्ट में क्या क्या हुआ ये पॉलिसी में क्या क्या हो रहा है फैसिलिटेट एंड कंट्रोल फॉरेन ट्रेड दे प्रोहिबिट रेस्ट्रिक्ट और एंड रेग्युलेट एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स जैसे मैंने आपको बोला कौन से प्रोडक्ट इंडिया में आने चाहिए कौन से नहीं आने चाहिए कौन से आ सकते हैं ओनली विथ लाइसेंसिस तो वो ये सब डिटरमाइन करेंगे गाइस फॉरिन ट्रेड पॉलिसी मैं आपको ब्रीफ बता दू गाइस यहां पर यह जो डिटरमाइन होता है इसके लिए जो बुक होती है गाइस दैट इज इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन एच एस एच एस इज हार्इज सिस्टम तो ये डिटरमाइन ये ये करेगा कि कौन से प्रोडक्ट्स इंडिया में आ सकते हैं या नहीं आ सकते तो देर आर टू शेड्यूल्स टू इट वन इज फॉर इंपोर्ट पॉलिसी एंड वन इज फॉर एक्सपोर्ट पॉलिसी और सर सारे प्रोडक्ट्स को ना सर ये चार कैटेगरी में वो लोग ने डिवाइड किया हुआ है एक होते हैं जो प्रोहिबिटेड है arms, ammunition, drugs, all these will be prohibited. There are some which is restricted. Restricted मतलब सर ये लेके आ सकते हो बट आपको इसके लिए लाइसेंस चाहिए रहेगा और ये लाइसेंस कौन देगा तो लाइसेंस देने के लिए एक ऑथोरिटी बना दी है डीजीएफटी डीजीएफ टी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड सो दे इश्यू लाइसेंसेस और एक पॉइंट में आपको बोल दू गई यहां द वर्ड लाइसेंसोराइजेशन अब लाइसेंस वर्ड नहीं रहा ऑथोराइजेशन बोलते हैं तो, अगर मैं बोलू, कोई है, है, तो इसको लेके ले आना है ऑथोराइजेशन चाहिए फ्रॉम डीजीएफटी सर देर कैन बी गुड्स जो नॉर्मल हम आप और मैं इंपोर्टेंट नहीं लेके आ सकते गाइस कैन बी इम्पोर्टेड ओनली थ्रू स्टेट एंटरप्राइजेस याद आ रहा है हमने कस्टम्स में एम एम टी सी का एग्जाम्पल किया था यस yes. तो इसे बोला जाएगा कैनलाइज गुड्स और अगर ये ये तीन कैटेगरी में नहीं आते मतलब इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आप इसको फ्रीली लेके आ सकते हो कहीं यहां पर अगर वर्ड फ्रीली लिखा है इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कस्टम ड्यूटी नहीं आएगा बेटा फ्रीली मतलब इसके लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है कोई ऑथोराइजेशन नहीं चाहिए दिस इज नॉट प्रोहिबिटेड दिस कैन बी इंपोर्टेड अच्छा नेक्स्ट दिस एक्ट ऑथोराइज टू फॉर्मुलेट एंड अनाउंस एन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसी जैसे मैंने बोला फॉरेन ट्रेड पॉलिसी दिस इज वैलिड फॉर फाइव और एवरी ईयर ये अपडेट होते रहता है और सर ये बेसिकली क्या करेंगे दे विल रेगुलेट द गुड्स एंड सर्विसेज ये रेगुलेशन है इसका दे विल हैव प्रमोशनल स्कीम्स कुछ बेनिफिट देना है अगर आप एक्सपोर्ट करते हो अच्छा एक्सपोर्ट करते हो तो हम आपको बेनिफिट देना चाहते हैं प्रमोशनल स्कीम्स रहेंगे गाइस कैपिटल गुड्स के लिए स्कीम रहेगा एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्पेशल स्कीम फॉर ईओयू एस एंड डीम्ड एक्सपोर्ट्स क्स्ट वी हैमुलेट करने में हेल्प करेगा और इंप्लीमेंट करने मेंंबर दे विल इश्यू लाइसेंस इज ऑथोराइजेशन दे मॉनिटर एक्सपोर्ट ऑब्लीगेशन वॉट इज एक्सपोर्ट ऑब्लीगेशन सर अगर किसी को लाइसेंस या किसी को ऑथोराइजेशन दिया हुआ है बट ऑन दैट प्रोमिसउंट तो सर यह एक्सपोर्ट ऑब्लीगेशन जो वो बंदे पे रहेगा उसको मॉनिटर करना पड़ेगा yes. और एक पॉइंट यहां पर लिखा है गाइस डिसीजन ऑफ डीजीएफ टी इज फाइनल एंड बाइंडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ एफटीपी क्लासिफिकेशन ऑफ एनी आइटम इन आईटीसीएचएस कंटेंट स्कोप और एनी इश्यू ऑफ एनी ऑथोराइजेशन इशूड अंडर एफटीपी सर अगर कभी डिस्प्यूट हुआ ना आपको तो डीजीएफटी का जो डिसीजन रहेगा दैट विल बी फाइनल एंड दैट विल बी बाइंडिंग नेक्स्ट

अगर आप इंपोर्ट कर दो तो चलो इस पर ड्यूटी नहीं आएगी अगर वो लोग ने बेनिफिट बोल दिया सर बट ये बेनिफिट तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक वो टैक्स लॉस में वो एग्जेपन नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तो बेटा अगर एग्जेपन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को जो बोलना है बोले अगर टैक्स के बारे में बात आएगी तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी नहीं चलेगा टैक्स लॉ का जो रहेगा वही चलेगा So, exemptions, if any, are governed by notifications under tax laws. The foreign trade policy is closely knit with customs, GST, excise laws. However, the policy provision per se do not override tax laws. Exemption extended by FTP. FTP is exemption. They are given, given effect by issue of the notification under the respective tax laws. जब तक वो नोटिफिकेशन इश्यू नहीं होता तब तक वो एप्लीकेबल है ही नहीं सो धट द एक्चुअल बेनिफिट ऑफ द एग्जेमशन डिपेंड्स ऑन द लैंग्वेज यूज इन द एगम्शन नोटिफिकेशन इश्यूड बाई सीबीआईसी इन मोस्ट ऑफ द केसेज द एक्जन नोटिफिकेशन रिफोर्स टू पॉलिसी प्रोविजन फॉर डिटेल्ड कंडीशन ऑब्वियसली बहुत सारे कंडीशन अटैच होंगे अगर एग्जेम्पन देना है तो तो ये कंडीशन कहां पे प्रिस्क्राइब होगा तो बोलेंगे लेंगे एफटीपी दे, देख लो एक बार मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और टैक्स अथॉरिटी कैन नॉट क्वेश्चन कैन नॉट क्वेश्चन द डिसीजन ऑफ अथॉरिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ओके नेक्स्ट सर विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ एफटीपी सर एफटीपी में हमें क्या क्या पढ़ना है या क्या क्या वर्ड्स और आने वाले सर और या कौन कौन सी बुक्स है अगर मुझे प्रैक्टिस करनी है एफटीपी की तो मैं कौन कौन सी बुक्स लेके पढ़ू तो देखो गाइस आपके पास एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जाएगा गाइस इसमें नाइन चैप्टर्स रहते हैं दिस इज दिस बुक और ये बुक पे ना गाइस पहले फोर्टी फिफ्टी पेजेस पिंक पेजेस होते हैं ठीक है दैट इज पॉलिसी बेसिकली वो पॉलिसी होती है बुक तो बहुत बड़ी रहेगी बट पहले जो पंद्रह सोलह पिंक पेजेस करके होते हैं पिंक कलर पेजेस दैट इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अब सर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ने बहुत सारे फॉर्म्स इश्यू किए रहेंगे मतलब आपको फॉर्म फाइल करना पड़ता रहेगा यस तो सर प्रोसीजरल के लिए वो लोग ने एक अलग हैंडबुक बना दी है दिस इज हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स इसमें दो वॉल्यूम होते हैं वॉल्यूम वन एंड वॉल्यूम टू वॉल्यूम वन में इट इज नोटिफाइड बाई डीजीएफ टी प्रोसीजरल एक्सपेक्ट आपको सारे यहां पर मिलेंगे कंडीशन कुछ रहेगी जो फॉर्म्स रहेंगे वो सब यहां पर मिलेंगे इट कंटेन्स वेरियस एंड फॉर्म्स रिलेटिंग टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसे बोला जाता है आयात निर्यात फॉर्म्स आयात निर्यात इज नथिंग बट इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉर्म्स ओके मेन पॉलिसी ये है उसके लिए जो फॉर्म चाहिए वो आपको हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर वॉल्यूम वन में मिल जाएंगे वॉट इज हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर वॉल्यूम टू सर दिस इज साइन नॉम्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉम्स पहले मुझे बोलो इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट नॉम्स इसका क्या मतलब है जस्ट एक सिंपल एग्जाम्पल सर अगर इफ आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ वन शर्ट तो सर ये शॉट बनाने के लिए मुझे क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए और कितने क्वांटिटी का चाहिए ये थ्रू आउट इंडस्ट्री जो पूछा जाएगा जो एक डेटा निकाला जाएगा दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स इवन दिस इज नोटिफाइड बाय डीजीएफटी बेस्ड ऑन साइन एक्सपोर्टर्स कैन मेक ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट अंडर ड्यूटी एक्जन स्कीम्स लाइक एडवांस ऑथोराइजेशन एनडीएफआई आई कैनॉट गो मच इन टू डिटेल गाइड मैं आपको एक सिंपल एक एग्जाम्पल दे सकता हूं फॉर द टाइमबिंग समझने के लिए अगर अपने पास एक एक्सपोर्टर है और इसके पास लेट सपोज थाउजेंड के जी ऑफ एन आर्टिकल का चाहिए आ, एक्सपोर्ट करना है इस अब ये थाउजेंड के लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए रहेगा बाहर से तो सर वो कितना लेके आ सकता है ड्यूटी फ्री तो इसके लिए सर अपने को इनपुट्स की क्वांटिटी पता करने पड़ेंगे अब ये कैसे पता करेगा बाय साइन नॉर्म्स साइन नॉर्म्स बोलेगा कि थाउजेंड केजी बनाने के लिए उसको इतने रॉ मटेरियल्स चाहिए देंगे तो इतने रॉ मटेरियल्स वो ड्यूटी फ्री लेके आ सकता है उसके लिए उसे ऑथोराइजेशन मिलता रहेगा नेक्स्ट वी मैंने बता दिया अगेन दिस इज नोटिफाइडीड्यूल शेड्यूल वन इज फॉर इंपोर्ट पॉलिसीज शेड्यूल टू इज फॉर एक्सपोर्ट पॉलिसीज सर सारे प्रोडक्ट्स को हमने बोला था बेटा वो चार कैटेगरीज में होते हैं यस फ्री गुड्स रेस्ट्रिक्टेड गुड्स प्रोहिबिटेड गुड्स या कैनलाइज गुड्स वो सब कुछ आपको एचएस पे मिलेगा इसकी अलग बुक है इसकी अलग बुक है इसकी अलग बुक है इसकी अलग बुक है पढ़ते रहो गाइस पढ़ते रहो एंजॉय और एक सिंपल एग्जांपल एग्जाम्पल दिया गाइस नीचे साइन नॉर्म्स के अगर ये मेरा एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है तो ये प्रोडक्ट के लिए मैं क्या इनपुट लेके आ सकता हूं और एक प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है तो मैं कितने क्वांटिटी का इनपुट लेके आ सकता हूं इफ आई वॉन्ट टू एक्सपोर्ट बेनजिन उसके लिए मुझे नापता रॉ मटेरियल चाहिए रहेगा उसके लिए एक को करने के लिए मैं इतना लेके आ सकता हूं नेक्स्ट जैसे आप देख रहे हो इस बहुत सारे इमेजेस मैंने चार्ट फॉर्म में आपको दिए हुए हैं जस्ट टू मेक दिस टॉपिक इंटरेस्टिंग आई नो इट इज ड्राइंग आई नो आपको बोर होता रहेगा रहेगा बट जस्ट टू मेक इट इंटरेस्टिंग मैंने ये बहुत सारे चार्ट फॉर्म में दिए है तो आपको विजुअलाइजेशन करना इजी रहेगा जनरल प्रोविजन रिगार्डिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट तो पहले ही पॉइंट मैंने बोल दिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए गाइस ये चार कैटेगरी ये आप पढ़ लो गाइस सेकेंड आईसी सर अगर आपको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है तो आपको आईसी नंबर चाहिए रहेगा आईसी नंबर इज नथिंग बट इंपोर्ट एक्सपोर्ट नंबर सर आईसी नंबर क्या कोई अलग अलग कोई नंबर रहेगा वो लोग बोलते हैं नहीं कोई एकदम अलग सर नंबर नहीं रहेगा अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो आपका जो जीएसटी एन नंबर है वही आईसी हो जाएगा और अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपका जो पैन नंबर रहेगा वो आईसी नंबर हो जाएगा अच्छा फॉर गुड्स इट इज मैंडेटरी टू हैव योर आईसी नंबर बट फॉर सर्विसेज सर्विस प्रोवाइडर रिक्वायर्स आईसी इफ द बेनिफिट इज टेकन अंडर एफ टीबी अगर फॉरिन ट्रेड पॉलिसी में अगर आपको कुछ बेनिफिट चाहिए इन दैट केस ओनली यू रिक्वायर्ड आईसी नंबर फॉर सर्विसेस गुड्स के लिए तो छोड़ो गुड्स के लिए तो चाहिए ही चाहिए नेक्स्ट वॉट इज एक्चुअल यूजर कंडीशन एक्चुअल यूजर कंडीशन मतलब सर जैसे हमने इसके पहले के एग्जाम्पल किया मेरे पास थाउजेंड के को एक्सपोर्ट करने के ऑर्डर थे तो वो थाउजेंड के के एक्सपोर्ट ऑर्डर थे तो मुझे रॉ मटेरियल चाहिए फ्री ऑफ ड्यूटी तो मैं सर जब ये रॉ मटेरियल फ्री ऑफ ड्यूटी इंपोर्ट कर रहा हूं तो गवर्नमेंट बोलेगा ये जो आप फ्री ऑफ ड्यूटी आप लेके आयो तो आपको ही ये यूज करना है यू के नॉट सेल इट टू अदर्स यू कैन नॉट सेल दिस प्रोडक्ट टू अदर्स इसके लिए इसको बोला जाता है एक्चुअल यूजर कंडीशन बोलते हैं अगर कोई प्रोडक्ट फ्री गुड्स है तो एनी पर्सन कैन इंपोर्ट बट इफ देर आर रेस्ट्रिक्टेड गुड्स तो फिर जो एक्चुअल यूजर्स है ओनली दे कैन इंपोर्ट गाइस क्लियर है यहां तक नेक्स्ट कंप्लायंस विथ लॉ तो आपको कौन कौन से लॉस से कंप्लाई करना पड़ेगा वो सब यहां पे दिया हुआ है इफ ऑथोराइजेशन होल्डर वायोलेट एनी प्रोविजन तो उस पर पे पेनल एक्शन भी लिया जाएगा एंड लिस्ट मतलब अगर आप इन लॉस के अगेंस्ट जा रहे हो तो आप पे पेनल्टी एक्शन तो लेंगे ही लेंगे बट आपको डिनाइड एंटिटी लिस्ट में डाल देंगे इसका मतलब क्या हो गया गाइस कि आपको जो बेनिफिट गवर्नमेंट दे रहा था वो आपको अब आगे से गवर्नमेंट ये बेनिफिट नहीं देगा एंड नेक्स्ट सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसे देने पड़ेंगे तो गाइस आर सर्टन डॉक्यूमेंट जो उसको देने ही पड़ेंगे बट बहुत ही कम है एक तो बिल ऑफ लीडिंग्स, एयरवे बिल बोल दो लॉरी रिसिप्ट बोल दो दिस इज नथिंग बट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स नेक्स्ट कॉमर्शियल इनवॉइस कम पैकिंग लिस्ट और पैकिंग लिस्ट अगर सेपरेटली भी दिया तो भी चल जाएगा फॉर एक्सपोर्ट शिपिंग बिल बिल ऑफ एक्सपोर्ट एंड फॉर इंपोर्ट बिल ऑफ एंट्री तो इन डॉक्यूमेंट्स को आपको सबमिट करने पड़ेंगे नेक्स्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सर गवर्नमेंट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए क्या क्या किया हुआ है तो बहुत सारे कस्टम पोर्ट्स को ट्वेंटी फोर सेवन अवेलेबल कर दिया है ट्वेंटी फोर सेवन जब अवेलेबल होगा तो वो बंदा कभी भी चाहे तो वो अपने प्रोडक्ट्स को अनलोड करवा सकता है तो सर यहाँ पे मर्चेंट ओवर टाइम फीस नहीं लगती रहेगी यस सिंगल विंडो स्कीम्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू लॉन्च देयर क्लियरेंस डॉक्यूमेंट एट अ सिंगल पॉइंट देयर बाय प्रोवाइडिंग अ कॉमन प्लेटफॉर्म टू ट्रेड टू मीट क्वायरमेंट्स ऑफ ऑल रेगुलेटरी एजेंसी इन्वॉल्व इन एक्ट बार बार अलग अलग विंडो पे जाके धक्का नि खाना है बेटा सिंगल विंडो स्कीम्स निकाल दी गई है फैसिलिटेट प्रोसेसिंग ऑफ शिपिंग बिल्स बिफोर एक्चुअल शिपमेंट प्रायर ऑनलाइन फाइलिंग फैसिलिटी फॉर शिपिंग बिल्स हैिपमेंट फोर्टीन डेज फॉर सी शिपमेंट तो शिपिंग बिल बिफोर एक्चुअल चिपमेंट भी आप फाइल कर सकते हो नेक्स्ट फॉर्म्स कंपनी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इन एन एजुडिकेशन प्रोसीडिंग हैव टू इन्फॉर्म रीजनल ऑथोरिटी अबाउट पेंडिंग एक्सपोर्ट ऑब्लीगेशन और लायाबिलिटीज अंडर एफटीपी स्कीम सर जो कंपनी जो फॉर्म ऐसी है जो बर्बाद हो चुकी है सर दे आर गोइंग इन एनसीएलटी तो सर दे हैव टू इन्फॉर्म रीजनल अथॉरिटी कि इनके पेंडिंग एक्सपोर्ट ऑब्लीगेशन कितने हैं या लाइबिलिटीज कितनी है नेक्स्ट सर एफ में हम कौन कौन से अथॉरिटीज को पढ़ेंगे कौन कौन से कमिटीज को पढ़ेंगे और कौन कौन से काउंसिल्स को पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो आता है इट डीजीएफटी दैट इज द एपेक्स बॉडी राइट अब सर डीजीएफटी तो सर इंडिया के कैपिटल सिटी में रहेगा यस तो दिस माइट बी लोकेटेड इन दिल्ली यस पॉसिबल अब सर डीजीएफटी तो एक ही रहेगा ना सर नेशनल लेवल पे यस yes. बट सर लोकल लेवल पे भी तो कुछ ऑथोरिटीज रहेगी रीजनल लेवल पे यस yes. तो so, सर रीजनल लेवल पे जो ऑथोरिटी है इसे बोला जाता है रीजनल ऑथॉरिटी ये नेशनल लेवल पे बट रीजनल लेवल के लिए ये इनकी ब्रांचेस है नेक्स्ट सर कौन कौन से कमिटीज सेटअप किए जाएंगे कमिटीज अच्छा वॉटर कमिटी बेटा तो कमिटीज ये इसमें देर देर मीट देर देर माइट बी रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टन पर्सन जो सिर्फ इनके काम देख देखते हैं जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल अगर एक प्रोडक्ट सायन नॉम्स में नहीं है तो सर सायन नॉम्स में डालना है साइन नॉम्स में मॉडिफाई करना है तो सर इसके लिए एक कमिटी बिठा दो कि ये कमेटी सिर्फ साइन नॉर्म्स के एडजस्टमेंट्स करेंगे कमेटी, सर एक कमेटी रहेगा जो कैपिटल गुड्स के स्कीम के लिए काम करेंगे सर एक कमेटी ऐसा रहेगा कि जो पॉलिसी में जो रेस्ट्रिक्शन हमने बोले या जो कंडीशन हमने बोले अगर कोई बंदा वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो उसको रिलैक्सेशन किया जाएगा तो पॉलिसी रिलैक्सेशन कमेटी रहेगा एक नेक्स्ट बोर्ड ऑफ ट्रेड कॉन्स्टिट्यूटेड टू एडवाइज गवर्नमेंट ऑन पॉलिसी मेजर्स फॉर इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट रिव्यू एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस रिव्यू पॉलिसी एंड प्रोसीजर एंड एग्जामिन इश्यूज रिलेवेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडिया फॉरिन ट्रेड सर ये बोर्ड ऑफ ट्रेड को सेटअप किए जाएंगे जो गवर्नमेंट को एडवाइस करते रहेंगे कि कौन से प्रोडक्ट्स का इंक्रीज एक्सपोर्ट हो रहा है कौन से प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है जो अच्छा है कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे है जो इंपोर्ट्स uh, uh, के लिए वो लोग अटक रहे गाइस सेटअप अ बोर्ड ऑफ ट्रेड जो गवर्नमेंट को ये सारे एडवाइस करते रहेंगे गाइस नेक्स्ट सर और एक क्या सेटअप होता है विच इज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है उसके लिए काउंसिल बनाई गई है सर दे आर नॉन प्रॉफिट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन दे हैव बीन सेटअप टू प्रमोट एंड डेवलप एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री उनका एक ही पर्पस है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाओ और एक्सपोर्ट को बढ़ाओ वो कैसे होगा तो सर वो लोग क्या करेंगे दे विल असिस्ट एंड दे विल गाइड एक्सपोर्टर्स देयर मेन एम इज टू प्रोटेक्ट प्रोजेक्ट इंडियाज इमेज एब्रॉड एज अ रिलायबल सप्लायर ऑफ हाई क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेस

गाइस इफ यू बिकम अ मेंबर ऑफ दिस काउंसिल आपको एक रिकोग्निशन मिलता है कि येस यू आर अ मेंबर ऑफ ईपीसी दिस काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट तो एक ट्रस्ट बैठ जाता है गाइस ईच काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोशन ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेस सर एक ही नहीं बनाएंगे सर डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के लिए या डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट काउंसिल्स सेटअप किए जाएंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स वी हैव अनदर काउंसिल दिस अनदर अनदर प्रोडक्ट हैव काउंसिल तो सर डिफरेंट डिफरेंट काउंसिल्स होते रहेंगे और सर ये लोग क्या इश्यू करेंगे दे इश्यू रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट आप जब इनके पास जाओगे तो आपको एक आर सी एम सी रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट दिया जाएगा एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल से दैट यू आर अ मेंबर ऑफ दिस काउंसिल्स और आपको एक रेकोगेशन मिलेगा इस अब ये आरसीएमसी क्या होता है वो एक बार देख लेते गाइस तो देखो गाइस ईपीसी पहला पॉइंट है ईपीसी ईपीसी आर एलिजिबल टू फंक्शन एस रजिस्टरिंग ऑथोरिटीज दे आर द ऑथोरिटीज दे कैन इश्यू आरसीएमसी एनी पर्सन अप्लाइंग फोर एन ऑथोराइजेशन टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ अनस्ट्रिक्टेड गुड्स और एनी अदर बेनिफिट और कंसेशन अंडर एफ टीपी रिक्वायर टू फर्निश और अपलोड आरसीएमसी वेबसाइट सर अगर आपको अगर आपको कोई ऑथोराइजेशन चाहिए या फिर सर अगर आपको कोई बेनिफिट लेना है अंडर एफ टी पी इन दैट केस सर आपको आरसीएमसी डीजीएफटी के वेबसाइट में अपलोड करना पड़ेगा अब आरसीएमसी मीन्सर्टिफिकेट एविडेंसिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ दी एक्सपोर्टर एज अ में बहुत ही सिंपल मीनिंग है यस एक्सपोर्टर हैज टू ऑपटेन आरसीएमसी फ्रॉम ईपीसी और कॉमोडिटी बोर्ड फॉर इंस्टेंस सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसिस बोर्ड शेड बी टू डेज आरसीएमसी सर आइडर आप ईपीसी से आरसीएमसी ले लो या कुछ कॉमोडिटी बोर्ड रहेंगे इससे आरसीएमसी ले लो इन केस एन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट इज नॉट कवर्ड ईपीसी और कॉमोडिटी बोर्ड इन दैट केस आरसीएमसी आपको कौन देगा फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑर्गेनाइजेशन वाइल ऑपरनिंग आरसीएमसी एंड एक्सपोर्टर टू डिक्लेयर हिज मेन लाइन ऑफ बिजनेस इन द एप्लीकेशन

डन गाइस नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं ना गाइस ये कैटेगरी में हम ये करने वाले हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स को यहां पे मैंने लिखा है इंपोर्ट ऑफ स्पेसिफिक कैटेगरीज़ ऑफ गुड्स तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो फ्री है या रेस्ट्रिक्टेड है या प्रोहिबिटेड है या कैनलाइज गुड्स है इसके रिलेटेड हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे देखो अगर मैं कुछ बोलूंगा नहीं मतलब बाय डिफॉल्ट वो क्या हो जाएगा फ्री हो जाएगा बट कुछ ना कुछ कैटेगरीज में देर विल बी सम रेस्ट्रिक्शन देर विल बी सम प्रोहिबिशंस तो वो क्या है हम वो स्टडी करेंगे ये पहले इंपोर्ट के लिए है देन नेक्स्ट आपको एक्सपोर्ट के लिए मिलेगा ठीक है

अच्छा गाईस। तो गाइस अब जब कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट होगा तो अब जब कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट होगा तो उसे दो एक्ट पढ़ना पड़ेगा कौन कौन से दो एक्ट पढ़ने पड़ेंगे एक तो वाला, एक वाला सर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वो बंदा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्यों पड़ेगा सर बिकॉज उसे ये देखने पड़ेंगे कि क्या वो गुड्स फ्रीली लेके आ सकता है मतलब विदाउट एनी ऑथोराइजेशन या फिर सर ये गुड्स रेस्ट्रिक्टेड है और इसके लिए उसे ऑथोराइजेशन की जरूरत है डीजीएफटी से या फिर सर ये गुड्स आ ही नहीं सकते प्रोहिबिटेड है या फिर सर इट इज अ कैनलाइज गुड्स ओनली कैन बी इंपोर्टेड थ्रू स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस तो पहले पहला बेटा ये पड़ेगा वो पहले ये पड़ेगा वंस इट इज डिटर्माइंड कि हाँ मुझे क्या प्रोसीजर से इंपोर्ट करना है लाइसेंस वाइसेंस चाहिए ये सब चाहिए उसके बाद वो देख करेगा कि मुझे कितनी ड्यूटी लाइबिलिटी है और वो कस्टम चेक पड़ेगा क्लियर है गैस? अच्छा तो अब मैं एकदम क्लियर बात बोल ही रहा हूं गाइस पर मैं आपके माइंड में कोई डाउट मुझे नहीं चाहिए गाइस जब हम यहां पे फ्रीली पढ़ेंगे ना गाइस तो इसका मतलब यह नहीं है कि कोई ड्यूटी लाइब्रेरी नहीं है फ्रीली का मतलब यह है कि यहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कोई ऑथोराइजेशन कोई परमिशन की जरूरत नहीं है क्लियर है कस्टम्स एक्ट में कस्टम्स एक्ट में फ्रीली का मतलब बहुत ही डिफरेंट है कस्टम्स एक्ट में मैंने बोल दिया फ्री मतलब कि इसमें ड्यूटी नहीं है वो कस्टम्स एक्ट की बात है बट जब हम एफटीपी पढ़ते फ्रीली मतलब उट ऑथोराइजेशन राइट तो चलो फर्स्ट पॉइंट मार्क्स दिस इज इंपोर्टेंट बिकॉज ये अमेंडमेंट है गाइस थोड़ा सा टेक्निकल है थोड़ा सा इस पर ज्यादा डिस्कस करेंगे गाइस चलो पहले प्री अमेंडमेंट पोजिशन समझ लो इंपोर्ट ऑफ गिफ्ट एंड सैंपल्स बोलते इंपोर्ट ऑफ गिफ्ट शेल बी फ्री अगर आपको गिफ्ट लेके आना है दैट विल बी फ्री मतलब कोई ऑथोराइजेशन कोई परमिशन नीचे इफ द गुड्स आर अदरवाइज फ्रीली इंपोर्टेबल In other cases, such goods shall be permitted against an authorization issued by DGFT. Let's understand this, guys. I'm saying we have X outside India, we have Y in India. Let's suppose they are friends. Achha. अगर ये फ्रेंड्स है सर तो हो सकता है कि वाई का बर्थडे आ रहा है वाई का मैरिज एनिवर्सरी आ रहा है सर तो इसको गिफ्ट भेजना है अच्छा ये गिफ्ट भेजेगा अच्छा ये गिफ्ट कैसे भेजेगा अब वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है वो क्या करेगा एक वेबसाइट में जाएगा राइट इट कैन गो टू एमेजॉन फ्लिपकार्ट वॉट एवर ही वेबसाइट बोलेगा यहां पे आपको शिपिंग करना है और वो ई e कॉमर्स के थ्रू ई कॉमर्स के थ्रू वो ऑर्डर दे देगा इसको तो क्या पेमेंट ही करना है सारा शिपिंग वो जो वेबसाइट से किया वो संभाल लेगा अच्छा अब सर ये इसे कोई पैसे नहीं लेने वाला है राइट ये इसे गिफ्ट दे रहा है मुझे बताओ ना इवन दो ये इसे पैसे नहीं ले रहा है इवन दो इट इज अ गिफ्ट क्या बाहर से गुड्स इंडिया में आए हैं यस और अपना तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स का क्या डेफिनेशन था ब्रिंगिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इन इंडिया तो कैन आई से इवन इफ इट इज अ गिफ्ट कॉमर्शियल एक्सपोर्ट इट इज नॉट अ कॉमर्शियल इम्पोर्ट इट इज सिंपल गिफ्ट बट क्या वो भी इम्पोर्ट ऑफ गुड्स हो जाएगा yes. ये थ्रूँ थ्रूँ पोस्ट हो गा तो सिंपल क्या होगा ये फॉरन पोस्ट ऑफिस में जाएगा फॉरन पोस्ट ऑफिस वहां पे ऑफिसर को दिखा देंगे गुड्स क्लियर करवा देंगे वाई को दे देंगे अच्छा अब इसके लिए गाइस दो एक्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा गाइस अपने को एक एफटी पी पढ़ना पड़ेगा डीजीएफ और एक ड्यूटी लाइबिलिटी क्या रहती है वो देखना पड़ेगा तो अब देखना गाइस वो लोग क्या बोल रहे थे कि अगर कोई गुड्स पहले से फ्री है जस्ट टू गिव एन एग्जांपल लेट सपोज ये इसे गिफ्ट में एक मोबाइल फोन देना चाहता है मोबाइल फोन इज फ्रीली इंपोर्टेबल तो इन दैट केस वो गुड्स अदरवाइज फ्री है तो अगर ये गिफ्ट के तरीके से आएंगे तो भी वो फ्री ही रहेंगे

सिस्टर ब्रदर को एक राखी भेजनी जाती है तो वो राखी भी ऑर्डर कर सकती है ऑनलाइन यस yes. तो ऐसे वो लोग बोलते थे कि इन दिस ट्रांजेक्शन अगर वो एस सच फ्री है तो इसके लिए कोई ऑथोराइजेशन कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी और जहां तक ड्यूटी लाइबिलिटी की बात आ रही है अपटू सी आई एफ वैल्यू ऑफ रुपीज फाइव थाउजेंड मतलब अगर गिफ्ट फाइव थाउजेंड अमाउंट तक है इन दैट केस हम आपसे ड्यूटी कलेक्शन भी नहीं लेंगे इट विल बी एक्जेप्ट तो गाइस मैं दो एग्जाम्पल दे रहा हूं आप ट्राई करना गाइस वन लेट सपोज ये इसे कुछ बुक्स देना चाहता है ऑफ वैल्यू ऑफ रुपीज फोर थाउजेंड इज इट फ्रीली इंपोर्टेबल यस तो कोई परमिशन नहीं चाहिए क्या कोई ड्यूटी लाइबिलिटी भी आएगी नहीं ड्यूटी लाइबिलिटी भी नहीं आएगी सर विदाउट एनी ड्यूटी लाइब्रिटी आ जाएगा सर ये इसे मोबाइल फोन देना चाहता है ऑफ रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड मोबाइल फोन इज अदरवाइज फ्रीली इंपोर्टेबल तो कोई परमिशन नहीं चाहिए बट क्या ड्यूटी लाइबिलिटी आएगी यस ड्यूटी लाइबिलिटी आएगा ठीक है अब सर वो लोग देख रहे थे कि फॉरेन से इंडिया में ई कॉमर्स के वेबसाइट से बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और ई कॉमर्स के वेबसाइट से हो रहे हैं मतलब ये बाई वे ऑफ थ्रू पोस्ट क्या कुरियर से आएंगे गाइस और अमाउंट इतने ज्यादा नहीं थे मतलब वो तीन हजार चार हजार यहां तक के गिफ्ट वैल्यू होते थे और यहां तक के गिफ्ट वैल्यू होते थे तो मतलब यहां तक कोई ड्यूटी लाइबिलिटी भी नहीं होती थी और कोई परमिशन कुछ भी नहीं चाहिए गाइस राइट तो ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन बहुत सारे इंपोर्ट्स बढ़ गए तो अब गवर्नमेंट को लगा कि नहीं यार कुछ चेंज करना चाहिए हमें इतने सारे इतने सारे गुड्स इंडिया में एस गिफ्ट्स आ रहे हैं जहां पे हम कोई ड्यूटी कलेक्शन ही नहीं कर रहे तो गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि नहीं यार ये गुड्स का थोड़ा रोकना पड़ेगा हमें तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया अब ये अमेंडेड पोर्शन है गाइस गवर्नमेंट ने क्या कर दिया गवर्नमेंट ने डीजीएफटी में मतलब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में ये बोल दिया डीजीएफटी ने ये बोल दिया कि अब ये गुड्स अब ये गिफ्ट अब ये गिफ्ट अगर इंडिया में आएंगे तो इट इज प्रोहिबिटेड इट इज प्रोहिबिटेड मतलब आप गिफ्ट लेके ही नहीं आ सकते इंडिया में बट सर गिफ्ट लेके नहीं आ सकते तो सर अगर कोई बीमार है और कोई मेडिसिन भेजना चाहता है तो क्या सर वो मेडिसिन भी नहीं आ पाएगा अगर बहन बाहर है अपने भाई के लिए सर वो राखी भेजना चाहती है तो क्या वो भी नहीं आ पाएगा तो नहीं ऐसे नहीं हमने इसके लिए दो एक्सेप्शन क्रिएट कर दिए वन इज लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड वन इज राखी ये दो आप लेके आ सकते हो इसमें हमें कोई इश्यूज नहीं है बट इसके अलावा और भी कोई गिफ्ट रहेंगे तो ऑल दैट गिफ्ट आर प्रोहिबिटेड अच्छा सर अगर प्रोहिबिटेड है तो मुझे बताओ क्या ड्यूटी लाइबिलिटी की बात आएगी नहीं बट सर दिस आर अलाउड तो सर ड्यूटी लाइबिलिटी की बात आ, आ सकती है द आंसर इज यस बट इसके लिए देर आर समूड इन कस्टम्स एट देर आर समूड और राखी के लिए वो लोग ऐसे बोलते हैं कि टू हंड्रेड रुपीज की अगर ड्यूटी लाइबिलिटी रहती है वो तो काइस याद है हमने एक पॉइंट किया था सेक्शन ट्वेंटी फाइव एग्जेपन में कि वो लोग बोलते थे कि छोटे छोटे ड्यूटी कलेक्शन हम नहीं करेंगे तो अगर हंड्रेड रुपीज तक की ड्यूटी लाइबिलिटी है तो वो कलेक्ट नहीं करेंगे दैट ड्यूटी इज एक्जेम्टस तो राखी यहां पर चला जाएगा काइस टेक्निकली ये सिर्फ राखी के लिए नहीं है कोई भी गुड्स के लिए है बट ये नोटिफिकेशन में वो लोग ने राखी के लिए वैसे बोला गया है विच इज टेक्निकली रॉन्ग बट छोड़ो जाने दो हम सिंपल ऐसे याद रखेंगे कि राखी इस पर कोई ड्यूटी नहीं है बिकॉज वो टू हंड्रेड तक ड्यूटी लाइब्रेरी एग्जिम है और लाइफ सेविंग ड्रग्स इसके लिए अलग एग्जिमशन है ओके तो गाइस यही एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल को अब आगे लिंक करो बुक्स फोर थाउजेंड रुपीज इट इज इंपोर्टेड एज अ गिफ्ट क्या आ सकता है नहीं सर प्रोहिबिटेड है तो ड्यूटी लाइब्रेरी की बात ही नहीं आएगी मोबाइल फोन ट्वेंटी थाउजेंड क्या सर गिफ्ट के तरीके से आ सकता है नहीं सर प्रोहिबिटेड है अब ये दोनों प्रोहिबिटेड के कैटेगरी में चला गया हां बट राखी अगर मैं बोलू राखी तो क्या वो आ सकता है द आंसर इज यस और उस पर ड्यूटी लाइब्रेरी नहीं होगी बिकॉज द ड्यूटी लाइब्रेरी टू हंड्रेड रुपीज इज एग्जेमड सेम गो फॉर मेडिसिन सर अगर बहन बार है अगर वो राखी के साथ राखी के साथ बुक्स दे रही है एज अ गिफ्ट राखी के साथ बुक्स दे रही है एज अ गिफ्ट तो गाइस सिर्फ राखी सिर्फ राखी एक्सेप्शन में है राखी के साथ जो रिलेटेड गिफ्ट रहेंगे वो वापस प्रोहिबिटर कैटेगरी में जाएंगे आई होप यू गॉट द पॉइंट वेरी क्लियर वो लोग ने क्रिस्टल क्लियर लिख दिया है कि हमें सिर्फ राखी हम आपको अलाउ करेंगे राखी के साथ जो गिफ्ट रहेगी वो प्रोहिबिटर कैटेगरी में चली जाएगी मतलब सर आज के डेट में आप बोल रहे हो कि सर कोई भी प्रोडक्ट गिफ्ट के तरीके से तो इंडिया में आ ही नहीं सकता सर अगर ये पर्सन ऐसा है वो बोल रहा है कि चलो ना आपको जो ड्यूटी चाहिए वो ड्यूटी ले लो बट गुड्स को तो आने दो तो बेटा ये हवस करो को देखो देखो इनका क्या इंटेंशन है देखो आप देखना गाइस गवर्नमेंट आगे क्या बोलता है देखो गवर्नमेंट आगे ये बोलता है कि देखो अगर कोई बंदा अगर कोई बंदा ड्यूटी पे करने को रेडी है उसपे जितनी ड्यूटी बनती है अगर वो ड्यूटी पे करने को रेडी है तो फिर हम ये प्रोहिबिटेड कैटेगरी से निकाल के फ्री में डाल देंगे मतलब ये प्रोहिबिटेड कैटेगरी अगर आप इस पे अगर आप इस पे ड्यूटी पे कर रहे हो देन वी विल कैटेगराइज दिस एज फ्री एक भी पैसे छोड़ना नहीं है इनको बट पैसे देने की बात आएगी तो नहीं देंगे यार ये लोग रिफंड छह महीने दस दस साल एक एक साल के लिए वो लोग प्रोसेस नहीं करेंगे सर ड्यूटी मांगने की बात आएगी ना सर तो पांच रुपए के नोटिस भेजेंगे हॉरिबल दिस पीपल आर देखो ना यार ये देखो ना क्या जस्टिफिकेशन है इसका बोलते यार को, कोई ड्यूटी पे कर रहा है तो हम अलाउ करेंगे बट हाँ अगर ड्यूटी पे नहीं करना है आपको तो फिर ये प्रोहिबिटेड है जो है वो है जाने दो तो पोस्ट अमेंडमेंट क्या कर दिया गाइस टी हैज अमेंडेड द प्रोविजन एंड प्रोवाइडेड दैट इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग दोस परचेज फ्रॉम ई कॉमर्स पोर्टल थ्रू पोस्ट और कुरियर वेर कस्टम क्लियरेंस इज शॉर्ट एज गिफ्ट इट इज प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट फॉर लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड मेडिसिन मेडिसिन एंड राखी बट नॉट गिफ्ट रिलेटेड टू राखी और फिर मैंने आगे लिख दिया कि राखी का यहां पर वो लोग क्या मतलब बोल रहे हैं राखी का मतलब यह बोल रहे हैं कि वो राखी जिसपे ड्यूटी नो ड्यूटी विल बी कलेक्टेड इफ द अमाउंट ऑफ ड्यूटी लिवाइबल इज लेस देन हंड्रेड बट फिर आगे देखो क्या बोल रहे import of goods as gift with payment of full applicable duty that is permissible पैसे बोलता है बेटा पैसे बोलता है बस सिंपल है तो ये अगर आप याद रखो गाइस तो बेटर है गाइस ठीक है और सर अब आप बोल रहे हो कि इस पर कितनी ड्यूटी मुझे पे करनी पड़ेगी तो वो लोग ने वो भी आपको दिखा दिया कि आपको कितना पे करना पड़ेगा वो लोग बोलते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी थर्टी फाइव परसेंट आई जी एस टी ट्वेंटी एट परसेंट जाने दो गाइस नेक्स्ट कैपिटल गुड्स इक्विपमेंट्स कंपोनेंट्स पार्ट्स असेसरीज वेदर ऑफ आउटसाइड इंडिया और इंडिजीनियस एक्सेप्ट दो रेस्ट्रिक्टेड मे बी सेंट एब्रॉड फॉर रिपेयर टेस्टिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट और अपग्रेडेशन और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड री इम्पोर्टेड विदाउट एन ऑथोराइजेशन अच्छा माय एडवाइस विल बी गाइस कि ये पॉइंट्स को करने के लिए आप एक फुल स्केप ले लो डू इट इन द पोर्ट्रेट मोड ठीक है वो पोर्ट्रेट uh, मोड में गाइस इसमें आप चार कैटेगरीज डिवाइड कर लेना यू नो द कैटेगरीज राइट फ्री रेस्ट्रिक्टेड प्रोहिबिटेड कैनोलाइज और जो पॉइंट जहां पे जा रहे हैं ना उसको यहां पे नोट no डाउन करते जाना है बिकॉज फिर लास्ट में आप देख लोगे ना कि ये सारे फ्री है ये सारे रेस्पेक्टेड है मतलब ऑथोराइजेशन चाहिए ये सारे प्रोहिबिटेड है ये सारे कैनलाइज है ये लिस्ट याद रखना आपको ईजी रहेगा गाइस तो वो लो लोग बोलते कैपिटल गुड्स और ये सारे जो है ना गाइस दे कैन बी सेंट अब्रॉड फॉर रिपेयर टेस्टिंग क्वालिटी और वापिस वो आ सकते हैं विदाउट एन ऑथोराइजेशन सेकेंड हैंड गुड्स दिस इज इंपॉर्टेंट गाइस सेकेंड हैंड गुड्स में वो लोग बोलते हैं अच्छा सेकेंड हैंड सिंपल गुड्स बोला है देन गुड्स कैन आल्सो बी इनपुट्स कैन आल्सो बी कैपिटल गुड्स तो अब वो लोग क्या बोल रहे हैं पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप फोटोकॉपी मशीन एयर कंडीशनर डीजल जनरेटिंग सेट और ऑल सेकेंड हैंड गुड्स अदर एंड कैपिटल गुड्स आर इंपोर्टेबल ओनली अगेंस्ट ऑथोराइजेशन व्हाट आर दे ट्राइंग टू से गाइस वो लोग गुड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं एक कैपिटल गुड्स और एक अदर्स क्या बोले गाइस पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप फोटोकॉपी मशीन एयर कंडीशनर डीजी सेट दे आर इम्पोर्टेबल ओनली अगेंस्ट ऑथोराइजेशन तो कैन आई सिंपली राइट गाइस यहां पे कैपिटल गुड्स में वो लोग ने कैटेगराइजेशन किया हुआ है एंड से पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप फोटोकॉपी मशीन एयर कंडीशनर एंड डीजी सेट एंड अदर्स अब बेटा ये जो है ये सिर्फ ऑथोराइजेशन के साथ ही हो सकता है तो गाइस सेकेंड हैंड कंप्यूटर लेके आना है सेकेंड हैंड लैपटॉप लेके आना है सेकेंड हैंड फोटो कॉपी मशीन लेके आनी है सेकेंड हैंड ए सी लेके आना है तो आपको ऑथोराइजेशन चाहिए रहेगा फ्रॉम डीजीएफटी बट आगे वो लोग क्या लिखते हैं गाइस अच्छे से पढ़ना गाइस ऑल सेकेंड हैंड गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स तो बाकी के जो गुड्स है ना गाइस ये भी ऑथोराइजेशन के साथ ही आ सकते हैं इसके अलावा और कोई कैपिटल गुड्स रहेंगे जो आपको सेकेंड हैंड लेके आना है गाइस दे आर फ्रीली इंपोर्टेबल सो सिंपल थोड़ा सा ओवरलैप हो गया बट इमेज इससे याद रहेगा गाइस फिर आगे लिखा है सेकेंड हैंड गुड्स इंपोर्टेड फॉर रिपेयर रीफर्बिशिंग रीकिंग दे इनरेटेड रिपेयर री फर्ग इज ट्विटेडिक लॉ एंड इम्पोर्टेड आइटम इज री एक्सपोर्टेड बैक एज पर कस्टम्स नोटिफिकेशन तो सर अगर मैं कोई गुड्स लेकर आया और इसको रिपेयर करके मुझे वापिस देना है सर तो एज पर कस्टम्स आपको ये जो नोटिफिकेशन है कि आपको वो वापस वापिस है एज पर कस्टम्स दे कैन बी इंपोर्टेड फ्रीली इसके लिए कोई ऑथोराइजेशन नहीं चाहिए मैन्यूफेक्चर और प्रोसेसिंग विदाउट ऑथोराइजेशन मतलब फ्रीली बट कस्टम्स ड्यूटी जो रहेगा वो आपको पे करना पड़ेगा ऑन पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल कस्टम ड्यूटी गाइस वैसे तो इम्पोर्ट्स में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं बट मैं सारे पॉइंट्स में डील नहीं करवा रहा हूं अदर जो गाइस है guys, ये अगर आपको चाहिए तो स्टडी मॉड्यूल में से आप देख के कर लेना बट बाकी सारे में ऑलमोस्ट ये फ्री है जो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट जो जनरली पेपर में पूछे जाते हैं मैं वही पॉइंट्स पे यहां पे फोकस कर रहा हूं गाइस और आप भी इतना ही करके जाओगे तो इनफ है ठीक है चलो नेक्स्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड पॉइंट तो बोल रहे ऑल गुड्स में बी एक्सपोर्टेड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट रेगुलट ठीक है अब सर कभी कभी क्या होता है यह थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट होते हैं थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट का मतलब क्या है यह समझना चाहिए अपने पास ये बाहर वाला इंपोर्टर है इसने एल एम कॉर्प को ऑर्डर दिया अब सर यह एल एम कॉर्प एक्सपोर्ट नहीं करता ये ये ऑर्डर जो आया ना सर इसने एस टी कॉरपोरेशन को दे दिया सो गुड्स बी एक्सपोर्टेड थ्रू अ थर्ड पार्टी दिस बेसिकली ये क्या है मर्चेंट एक्सपोर्टर है सर जैसे ही इसने ऑर्डर आया इसने इसको दे दिया अब ये एक्सपोर्ट का माल पूरा रेडी करेगा और फिर एक्सपोर्ट होगा गाइस यहां पे आपको लगेगा सर एल एम कॉरपोरेशन को ऑर्डर मिला है एल एम कॉर्पोरेशन को यहां से पैसे मिलेगा तो यहां पे बेनिफिट कौन ले, लेना चाहेगा एल एम कॉर्पोरेशन बट आई से दिस नॉट अ मैन्युफैक्चर ये किसी ऑर्डर ये ऑर्डर सब कॉन्ट्रैक्ट कर देता है इसको तो सर क्या इसको एक्सपोर्ट के बेनिफिट मिल सकते हैं यस yes. मिल सकते हैं उसके लिए कुछ कंडीशंस है और कंडीशन क्या है The, शिपिंग बिल जो रहेगा ना गाइस शिपिंग बिल इसमें ये दोनों के नाम रहेंगे शिपिंग बिल में दोनों के नाम रहेंगे बट सर पैसे किसको मिलेंगे अल्टीमेटली एल एम कॉर्क को एक्सपोर्ट ऑर्डर किसको आया था एल एम कॉर्क को इनवॉइस किसका रहेगा एल एम को दिस इज अ थर्ड पार्टी एक्सपोर्टर बोले थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट मीन एक्सपोर्ट मेड बाय एन एक्सपोर्टर और अ मैन्युफैक्चरर ऑन बिहाफ ऑफ अनदर एक्सपोर्टर किसी के बिहाफ पे मैं एक्सपोर्ट करके कर देता हूं इन सच केसेस एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स सच एज शिपिंग बिल शुड इंडिकेट द नेम ऑफ बोथ मैन्युफेक्चरिंग एक्सपोर्टर एंड थर्ड पार्टी एक्सपोर्टर बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट एक्सपोर्ट ऑर्डर इन वॉइस शुड बी इन द नेम ऑफ थर्ड पार्टी एक्सपोर्टर नेक्स्ट एक्सपोर्ट ऑफ गिफ्ट गुड्स इंक्लूडिंग एडिबल आइटम्स वैल्यू नॉट एक्सडिंग रूपीज फाइव इन लाइसेंसिंग ईयर बी एक्सपोर्टेड असिंग हाउ एवर रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स में बी एक्सपोर्टेड एज गिफ्ट ओनली अंडर ऑथोराइजेशन अगर फ्रीली है तो फ्रीली कोई इश्यू नहीं है बट अप टू फाइव लैख रुपीज तक होना चाहिए देन ये आप पढ़ लेना ये आप पढ़ लेना बाकी ये सारे पॉइंट पढ़ लेना मेरे को सिर्फ एक ही पॉइंट पे डील एक्सपोर्ट थ्रू कुरियर और पोस्ट एक्सपोर्ट थ्रू अ रजिस्टर्ड कुरियर सर्विस और फॉरेन पोस्ट ऑफिस आर परमिटेड हावेवर एक्सपोर्टेबिलिटी ऑफ सच आइटम इज रेगुलेटेड इन अकॉर्डिंग विद एफटीपी वैल्यू लिमिट फॉर एक्सपोर्ट थ्रू कुरियर शेल बी फाइव लैक्स पर कंसाइनमेंट गाइस दोनों की बात कर रहे हैं एक मैं कुरियर के थ्रू एक्सपोर्ट कर सकता हूं कुरियर मतलब ये प्राइवेट कुरियर रहेंगे यस और एक फॉरेन पोस्ट ऑफिस के से कर सकता हूं गाइस बोथ आर परमिटेड टू बी डन बट वो लोग बोलते हैं कि कुरियर के थ्रू अगर आप करवाना चाहते हो कुरियर के थ्रू तो फाइव लैक्स तक ही आपका आर्टिकल आपका कंसाइनमेंट वैल्यू हो सकता है पोस्ट के लिए कोई वैल्यू कोई लिमिट नहीं है गाइस एक्सपोर्ट थ्रू पोस्ट कैन बी ऑफ एनी वैल्यू बट ये जो लिमिट है ना गाइस ये लिमिट सिर्फ कुरियर के लिए है फाइव लाख रुपीज तक का डन चलो गाइस नेक्स्ट जो हम करेंगे दैट इज बेनिफिट्स अंडर एफटीपी चलो गाइस नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम्स सर हमें एफटीपी में क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं गाइस ये बेनिफिट एक हम बोलते हैं एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम्स ये कुछ स्कीम्स है यहां पे अपने पास दो स्कीम्स है गाइस यहां पे देन वी हैव ड्यूटी और ड्यूटी रेमिशन स्कीम्स अच्छा यहां पे गाइस ड्यूटी रेमिशन में हमने ड्यूटी ड्रॉबैक का एक कंसेप्ट किया था सेवेंटी फोर सेवेंटी फाइव वाला वही कस्टम्स के पॉइंट है यहां पर और ड्यूटी एक्जन में गाइस अपने पास अगेन दो स्कीम्स है देन वी हैव वन ईपीसीजी स्कीम एंड वन डीम्ड एक्सपोर्ट बेनिफिट तो हमें अपने, अपने गवर्नमेंट अच्छा, क्या बोलता है अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो हम वो आपको बेनिफिट देंगे सर ये बेनिफिट वो लोग क्यों दे रहे अगेन आपको रीजन पता ही गाइस बिकॉज यू आर ब्रिंगिंग इन फॉरन एक्सचेंज रिजर्व आप इंडिया का नाम बाहर आप बढ़ा रहे हो गाइस तो ये बढ़ावा uh, दे रहे गवर्नमेंट आपको इंक्रीमेंट दे रहे बेनिफिट दे रहे गाइस दिस इज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम्स सर इंडिया से एक्सपोर्ट क्या क्या हो सकता है कैन गुड्स भी एक्सपोर्टेड यस कैन सर्विस भी एक्सपोर्टेड यस तो गाइस अपने पास भी दो स्कीम्स है गाइस गुड्स के लिए एफटीपी में वर्ड यूज होता है मर्क मर्कंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम ड स्कीम रिवॉर्ड स्कीम्स मतलब आप जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे गवर्नमेंट उतने ज्यादा आपको रिवॉर्ड उतने ज्यादा आपको बेनिफिट देंगे सर ओके तो ऑब्जेक्टिव देख लो गाइस इसका ऑब्जेक्टिव क्या है टू प्रोवाइड रिवॉर्ड्स टू द एक्सपोर्टर्स टू ऑफसेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन एफिशियंसी हम मानते हैं इंडिया मानता है गवर्नमेंट मानता है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर इतने अच्छे नहीं है एंड बिकॉज इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है आपको जो एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करने पड़ेंगे गवर्नमेंट बोलता है हम आपको थोड़ा सा रिलीफ बाय वे ऑफ रिवॉर्ड देंगे एंड द एसोसिएटेड कॉस्ट इन्वॉल्व एंड प्रोवाइड एक्सपोर्ट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड तो गाइस आपके खर्चे कम करवा रहा है गवर्नमेंट बाय वे ऑफ गिविंग दिस बेनिफिट नेक्स्ट सर ये रिवॉर्ड मुझे कैसे दिया जाएगा मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं लेट सपोज आप एक करोड़ का एक्सपोर्ट करते हो ठीक है ऑब्वियसली एक्सपोर्ट इन द डॉलर मैं कन्वर्टेबल कन्वर्ट uh, करके मैं बोलता हूं आपने एक करोड़ का एक्सपोर्ट किया इन आई एनआर लेट सपोज गवर्नमेंट बोलता है कि एक करोड़ का एक्सपोर्ट किया ना तो हम आपको थ्री परसेंट बेनिफिट देंगे थ्री परसेंट किसका ऑब्वियसली एक करोड़ का तो गवर्नमेंट आपको थ्री लाख रुपीज का रिवॉर्ड देगा अरे आपने एक करोड़ एक्सपोर्ट किया है तो तीन, तीन लाख रुपए मेरे से ले लो जाओ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया तीन करोड़ एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको अब ये थ्री लैक्स आपको कैसे मिलेगा क्या गवर्नमेंट आपके बैंक अकाउंट में देगा पैसे तो नहीं गवर्नमेंट ये थ्री लैक्स का क्या करेगा आपको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट देगा समझते हो बेटा स्क्रिप्ट इट्स अ पेपर पेपर में गवर्नमेंट लिख के देगा कि आपके पास थ्री लाख रुपीज के ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट है आप इसको कुछ स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज कर सकते हो तो सर ये स्क्रिप्ट बंदा किस किस पर्पज के लिए यूज कर सकता है तो लोग ने ये पर्पज के लिए आप यूज कर सकते हो इन फ्यूचर आप कभी भी इंपोर्ट कर रहे हो आप कुछ भी इंपोर्ट कर करो बीट एनी गुड्स कैपिटल गुड्स जो भी इंपोर्ट कर करो इस पर कस्टम ड्यूटी आएगी तो वो कस्टम ड्यूटी आप इसके थ्रू पे कर सकते हो इसके थ्रू मतलब फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कस्टम ड्यूटी आपको आया फाइव लाख रुपीज का तो फाइव लाख रूपीज में से आप ऑफिसर को ये थ्री लाख का ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट दे दोगे कि ये लो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट और बैलेंस आप टू लैख पे करोगे यू कैन यूज दैट फॉर पेमेंट ऑफ वन एक्साइज ड्यूटी सर एक्साइज ड्यूटी तो मैं डोमेस्टिक परचेज करता हूं इंडिया से ही परचेस करता हूं यस तो इंडिया जब इंडिया से जो परचेज करते हो ना दैट कैन बी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स तो आप उसको कॉल करके बोलोगे कि मैं आपको जो पेमेंट करूंगा लेट सपोज उसका बिल है टेन लाख रुपीज का प्लस फोर लाख रुपीज एक्साइज तो वो फोर लाख रुपीज में से आप बोलोगे थ्री लाख रुपीज का मैं तेरे को ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट दे दूंगा और वन लाख रुपीज मतलब मैं आपको नेट नेट इलेवन लैक्स दूंगा

तो वो कस्टम ड्यूटी पे करने के लिए भी आप ये ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप यूज कर सकते हो। होवेवर कभी भी पेनल्टी और इंटरेस्ट आएगा दैट हैज़ टू बी पेड इन कैश नेक्स्ट सर एफटीपी में एक बंदे को कुछ फीस पे करनी पड़ती है जिसे बोला जाता है कंपोजिशन फी या एप्लीकेशन फी रहेगा सर कुछ तो उसके लिए भी आप ये ड्यूटी क्रेडिट यूज कर सकते हो यहां तक हम बेसिक पॉइंट्स ही कर रहे हैं हम मैं एक एक मैं एक मैं भी स्क्रीम स्क्रिप्ट एक भी स्कीम के बारे में मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया मैं ये दोनों के रिलेटेड क्या बेसिक पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं तो ये दोनों स्कीम्स में सर आपको बेनिफिट मिलेगा वो बेनिफिट किस तरीके से मिलेगा आपको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मिलेगा ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट आप किन किन पर्पज के लिए यूज कर सकते हो तो ये पर्पज के लिए आप यूज कर सकते हो नेक्स्ट और ये जब भी गाइस आप यूज करोगे ना ऑफसेट करोगे तो आपको ऑब्वियसली जो कस्टम्स के ऑफिसर है इनको भी इंटीमेट करना पड़ेगा कि आई एम मेकिंग पेमेंट ऑफ दिस थ्रू ड्यूटी क्रेडिट दैट गोस बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था जहां पे आप ऐसे समझना पॉइंट नंबर ए क्या बोलता है कि मैं कस्टम ड्यूटी पे करने के लिए यूज कर सकता हूं अब एग्जाम्पल समझो गाइस मेरे पास थ्री लैक्स के ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट है मैंने इंपोर्ट किया था लेट सपोज फॉर रूपीज टेन लैक्स जिसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी इज टू लैक्स सोशल वेलफेयर सर चार्ज इज ट्वेंटी थाउजेंड एंड लेट सपोज आई जी एस टी इज वन लैख बेसिक कस्टम सोशल वेलफेयर सर चार्ज और आईजीएसटी अब मेरे पास तो थ्री लैख रुपीज के ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट है तो मेरे को कितना टोटल पे करना है थ्री पॉइंट टू लैक्स क्या इसमें से मैं थ्री लैक्स का ऑफसेट कर सकता हूं मतलब जब ये लोग बोलते हैं कि कस्टम ड्यूटी का पेमेंट आप कर सकते हो तो क्या कस्टम ड्यूटी में बेसिक कस्टम ड्यूटी भी आएगा सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी आएगा और आईजीएसटी सब कुछ आएगा या सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी आएगा ये क्वेश्चन था और गाइस जब ये नोटिफिकेशन जो आए हो ना गाइस बिकॉज ये ऑफसेट कर रहे हो मतलब आप ये पे पे कर कर रहे हो, कर रहे हो हो और मतलब ऑब्वियसली रेवेन्यू को अफेक्ट होगा मतलब रेवेन्यू में भी मतलब कस्टम्स uh, एक्ट में भी इसके लिए नोटिफिकेशन आते रहेंगे तो सर कस्टम्स के जो नोटिफिकेशन है ना सर उसमें वो लोग बोला है कि ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट कैन बी यूज फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी विच इज लेविड अंडर सेक्शन ट्वेल्व ऑफ द कस्टम्स एक्ट ड्यूटी क्रेडिट ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट

आपको लगेगा ये गलत है आपको लगेगा ये गलत है आपको लगेगा सर ये टेक्निकल ये लॉजिकल नहीं है सर यस yes. बट जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन के वर्डिंग्स ऐसे हैं कि वो सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी का ही अलाउ कर रहा है मतलब सोशल वेलफेयर सरचार्ज को भी मैं पे नहीं कर सकता मतलब सोशल वेलफेयर सरचार्ज को भी मुझे कैश में पे करना पड़ेगा दस सोशल वर्क

बेसिक कस्टम ड्यूटी पेड इन कैश और थ्रू ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट और थ्रू डेबिट अंडर ड्यूटी क्रेडिट शेल बी एडजस्टेड फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक अब इसका मीनिंग क्या है सर मेरे पास ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट था थ्री लाख रुपीज का ऊपर किया ना थ्री लाख रुपीज का ड्यूटी क्रेडिट था सर मैंने इसके बाद एक रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया और इस पे सर मेरी ड्यूटी लाइबिलिटी थी लेट सपोज फाइव लाख रुपीज की अब सर मैं फाइव लाख रुपीज में पे कैसे करूंगा तो थ्री लैक्स तो मैंने ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स का डेबिट करवा लिया और टू लैख रुपीज मैंने कैश बैंक से पे कर दिया और सर विदाउट मेकिंग एनी यूज ऑफ दिस प्रोडक्ट मैं इसको ही री एक्सपोर्ट कर रहा हूं मेरे पास इसका ही ऑर्डर आ गया तो मैंने इसको ही विदाउट एनी मेकिंग एनी यूज मैंने इसको ही रीएक्सपोर्ट कर दिया अच्छा रीएक्सपोर्ट कर दिया तो क्या ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा मुझे yes. ये ड्यूटी ड्रॉबैक कितना मिलेगा नाइनटी एट परसेंट ऑफ फाइव लैक्स क्वेश्चन आपको यह है कि 98% ऑफ फाइल एक्स मिलेगा या 98% ऑफ सिर्फ 2 लाख मिलेगा मैंने कितनी की कस्टम ड्यूटी पे की है सिर्फ 2 लाख की या टोटल फाइल एक्स की टोटल फाइल एक्स की तो टोटल फाइल एक्स का 98% मिलेगा मतलब जो बेसिक कस्टम ड्यूटी मैंने ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स के से भी पे की है इवन दैट इज एलिजिबल फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक लॉजिकल या लॉजिकल नेक्स्ट सर ये ड्यूटीज क्रेडिट स्क्रिप्ट कितने टाइम पीरियड के लिए वैलिडिटी है तो दे आर वैलिड फॉर ट्वेंटी फोर मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू एंड मस्ट बी वैलिड ऑन द डेट ऑन विच एक्चुअल डेबिट ऑफ ड्यूटी इज मेड आई होप यू अंडरस्टैंड डेबिट ऑफ ड्यूटी इज मेड मतलब जब आप पे कर गाइस वैलिडेशन ऑफ ड्यूटी क्रेडिट इज नॉट परमिटेड अनलेस कवर्ड बाई हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स गाइस ये आप एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं ट्वेंटी फोर मंथ के लिए वैलिडिटी के लिए

फॉर थ्री इयर्स अगर आपके कंटिन्यूस बेसिस पे थाउजेंड डॉलर के ऊपर है गाइस इन दैट केस आप जो बेनिफिट दे रहे हो बाय वो आपको फेज आउट करना पड़ेगा एंड इंडिया का यह पर कैपिटल इनकम गाइस थाउजेंड डॉलर से ऊपर रहा है फॉर द पास्ट कंजिक्यूटिव थ्री इन एंड बिकॉज ऑफ दिस बिकॉज ऑफ दिस वी हैव टू फेज आउट एम ई आई एस सो एम एस थर्टी फर्स्ट डिसम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी से एप्लीकेबल नहीं है थर्टी फर्स्ट डिसेंबर ट्वेंटी ट्वेंटी से एप्लीकेबल नहीं है और इसके बदले एक नई स्कीम आ गई है विच इज आरओडी टीईपी अच्छा फॉर मे ट्वेंटी वन अटेंप्ट तो आपको यही करना पड़ेगा गाइस बट नवंबर ट्वेंटी वन अटैंप्ट के लिए गाइस ये अब नया स्कीम एप्लीकेबल होगा ठीक है नेक्स्ट एस स्कीम को भी डिसकंटिन्यू वो लोग को करना है या कंटिन्यू करना है उसका भी डिसीजन उनको लेना है बट अभी तक उसके लिए कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है लेट स्टार्ट विथ एम स्कीम गाइस एम स्कीम अगर आप मॉड्यूल में देखोगे तो वो लोग ने तीन चार पेजेस के दिए रहेंगे बट मैंने समराइज फॉर्म में अपने को जितना याद रखना है मैंने उतना ही दिया है उतना ही रिलेवेंस है गाइस एडिशनल ज्यादा करने की ट्राई मत करना आप कंफ्यूज हो जाओगे ठीक है एम ई आई स्कीम सो कहना से मैंने गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं यस सर क्या सारे गुड्स पे मिलता है क्या मुझे एम तो बोलते हैं नहीं सारे गुड्स पे नहीं मिलता है टू प्रमोट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ एंड एक्सपोर्ट ऑफ नोटिफाइड गुड्स ओनली नोटिफाइड गुड्स अगर एक्सपोर्ट होंगे तो उसके ही आपको एम ई आई एस बेनिफिट मिलेगा अच्छा ये ये गुड्स सर मैं कहीं पे भी कहीं पे भी एक्सपोर्ट करूं तो मुझे बेनिफिट मिलेगा तो वो बोलते नहीं दिस एक्सपोर्ट ऑफ नोटिफाइड प्रोडक्ट्स हैज टू बी टू द नोटिफाइड मार्केट्स सो नोटिफाइड गुड्स प्लस नोटिफाइड मार्केट्स सर इसका क्या मीनिंग है सर इसका सिंपल एक मीनिंग ये है लेट सपोज मैं एक एग्जांपल के तरीके से बोला हूं लेट सपोज स्टील स्टील इज अ नोटिफाइड गुड्स एंड लेट सपोज ब्राजील इज अ नोटिफाइड मार्केट तो सर अगर आप स्टील ब्राजील को एक्सपोर्ट करोगे तो आपको गवर्नमेंट बेनिफिट देगा सर ये कौन कौन सी नोटिफाइड मार्केट है ये कैसा कैसा वो लोग ने डिसाइड किया हुआ है तो गाइस ये लोग ने ना लिस्ट बनाई हुई है एक है ए कैटेगरी एक है बी कैटेगरी मार्केट एक है सी कैटेगरी मार्केट ठीक है अब ए कैटेगरी में हो सकता है वो लोग बोल दे कि हमें कम देना है एम बेनिफिट बी कैटेगरी में उससे ज्यादा देना है सी कैटेगरी में सबसे ज्यादा देना है और इसमें वो लोग भी प्रोडक्ट भी लिस्ट करेंगे कि इन इन प्रोडक्ट्स के लिए ही आपको एमएस बेनिफिट मिलेगा ओके रेट ऑफ रिवॉर्ड ऑन वेरियस नोटिफाइड प्रोडक्ट्स आर आल्सो गिवन जनरल रेट इज ऑफ रिवॉर्ड इज सेवन परसेंट बट दे यूज द रेट एज फाइव परसेंट ऑल्सो एंड फोर परसेंट ऑल्सो एग्जाम में आपको परसेंटेज दिए जाएंगे कि कितना बेनिफिट आपको मिल रहा है ठीक है

शिपिंग बिल में जब लिखोगे तो आप इसको कन्वर्ट भी कर लोगे सर इसका आई एन आर वैल्यू भी निकाल दोगे वो टाइम पे यस तो लेट सपोज वो टाइम पे आई एन आर वैल्यू है इन टू सेवेंटी विच इज सेवेंटी लैक्स बट सर आपको जो रियलाइज हुआ ना रियलाइज हुआ लेट सपोज सिक्सटी एट लैक्स ओनली तो सर किसका परसेंटेज कि अगर अप्लाई करना है तो मुझे कौन से अप्लाई करना है और ये लॉजिकल है आप किस किस पे वे, आ, आ, ये परसेंटेज अप्लाई करोगे विच एवर इज लेस सो द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रिवॉर्ड इज रियलाइज एफओबी वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट इन फ्री फॉरन एक्सचेंज रियलाइज मतलब बैंक अकाउंट में कितने मिले या एफओबी वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट एज गिवन इन द शिपिंग बिल इन फ्री फॉरन एक्सचेंज विच एवर इज लेस सर सपोज मुझे सिक्सटी एट लैक्स नहीं मुझे सेवेंटी फोर लैक्स मिला मतलब सर मेरे को फॉरन एक्सचेंज में करेंसी में कुछ प्रॉफिट हो गया सर तो गाइस आपको ये जो बेनिफिट है ये सेवेंटी लैक्स पे मिलेगा शिपिंग बिल पे जो लिखा हुआ है वो या जो एक्चुअल रियलाइजेशन हुआ है वो विच एवर इज लेस नेक्स्ट एम फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स थ्रू कुरियर और फॉरेन पोस्ट ऑफिस रिवार्ड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स थ्रू नोटिफाइड कुरियर और फॉरन पोस्ट ऑफिस शेल बी कॉम्प्यूटेड एज फॉलोज आइडर द एफओबी वैल्यू और फाइव लैक पर कंसाइनमेंट विच एवर इज लेस सर ये तो जो हम कर रहे थे कॉमर्शियल एक्सपोर्ट कर रहे थे अगर आप कुरियर के थ्रू या फॉरन पोस्ट ऑफिस के थ्रू एक्सपोर्ट कर रहे हो सर तो आपके लिए जो रिवॉर्ड दिया जाएगा गाइस दैट इज द एफओबी वैल्यू और मैक्सिमम फाइव लैक्स पर कंसाइनमेंट विच एवर इज लेस ये लिया जाएगा तो अगर आपको एग्जाम में ऐसे बोले कि आपने कुरियर के थ्रू एक्सपोर्ट किया हुआ है और उसकी एफओबी वैल्यू है फाइव लैख फिफ्टी थाउजेंड तो आपको रिवॉर्ड कैलकुलेशन के लिए सिर्फ फाइव लैख ही लेना है अगर एफओबी वैल्यू लेट सपोज फोर लैख फिफ्टी है तो फोर लैख फिफ्टी लेना है देन देर आर सम कैटेगरीज जो इन एलिजिबल कैटेगरीज है मतलब इसमें आपको एमएस के बेनिफिट नहीं मिलेंगे और ये इन एलिजिबल क्राइटेरिया को याद रखने के लिए मैंने सिंपल ऐसे बोला है कि प्रोडक्ट है ना इंडिया के बाहर जाना चाहिए ना नोटिफाइड मार्केट तो आउटसाइड इंडिया रहेगा यस दे कैन नॉट बी विद इन इंडिया तो अगर मैं डीम्ड एक्सपोर्ट बोल दू वो तो इंडिया में ही है अगर मैं एसड को सप्लाई करूं वो भी इंडिया में है एक्सपोर्ट मेड बायटी डब्ल्यू जेड ये सारे तो कई आपने इंडिया में ही सप्लाई किया हुआ है एसड products exported through DTA units, so in category के लिए आपको एसीजेड benefit नहीं मिलेगा uh, मिलेगा Export products which are subject to minimum export price or export duty. अगर वो लोग में, में दिया हुआ है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे है जिसपे मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है तो उस पर आपको एमएस बेनिफिट नहीं मिलेगा या किसपे एक्सपोर्ट ड्यूटी है उसपे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स कवर्ड अंडर इंपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट जो कुछ गुड्स इंपोर्ट हुए थे वही गुड्स एक्सपोर्ट हुए उसके लिए नहीं मिलेगा या एक्सपोर्ट थ्रू ट्रांसशिपमेंट ये तो सिर्फ ट्रांसशिप हो रहे है इंडिया से तो गाइस दिस इज एम ई आई स्कीम वी विल लुक एट वन और टू क्वेश्चंस आपको ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाएगा गाइस

एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स वे एफओबी वैल्यू डिक्लेयर इन दिपिंग बिल इज एट लैक्स बट एफओबी वैल्यू रियलाइज इज एट लैक ट्वेंटी गेन हो गया सर आपको गेन को भूल जाओ एट लैक्स कंसिडर करो एक्सपोर्ट ऑफ बुक्स थ्रू फॉरिन पोस्ट ऑफिस विद एफओबी वैल्यू ऑफ फोर नाइन्टी फाइव अच्छा फोर नाइनटी फाइव है तो फोर नाइन फाइव तक मिलेगा बायोटेक्नोलॉजी पार्क प्रोडक्ट एक्सपोर्टेड थ्रू डीटी यूनिट्स नहीं मिलेगा इन एलिजिबल बायोटेक्नोलॉजी पार्क प्रोडक्ट एक्सपोर्टेड थ्रू डीटीए सप्लाई मेड फ्रॉम डीटीए यूनिट्स टू एसई नहीं मिलेगा बाकी जो मिलेगा उसका टोटल कर लो और टोटल का सेवन परसेंट मिल जाएगा एस ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट

वैल्यू ऑफ रूपीज फोर फोर्टी एट डिटरमाइन वेदर दीपमेंट इज एलिजिबल फॉर एम एस बोलो ये फोर फोर्टी एट मिल जाएगा सर अपू फाइव लैक्स तक मिल जाएगा वेरी गुड चलो गाइस नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज है स्कीम अच्छा गाइस एससीआई स्कीम को समझने के लिए मुझे आपको और एक पॉइंट को आपको समझाना पड़ेगा गाइस विच इज दिस सर्विस प्रोवाइडर्स अच्छा एस सर्विस इंडस्ट्री को हिट कर रहा है सर्विस प्रोवाइडर्स को बोल रहा है तो एफ गाइस सर्विस प्रोवाइडर चार कैटेगरी के सर्विस प्रोवाइडर्स हो सकते हैं अंडर रिमेंबर ये टर्म सिर्फ FTP के लिए रेलेवेंट है गाइस तो FTP के लिए एक सर्विस प्रोवाइडर ये चार कैटेगरीज में आ सकते हैं कौन कौन से कैटेगरीज में आ सकते हैं अ पर्सन प्रोवाइडिंग सप्लाई ऑफ अ सर्विस फ्रॉम इंडिया टू एनी अदर कंट्री सर आई एम लेट सपोज मैं uh, मैं इंडिया में हूं मेरा जो क्लाइंट है वो यूएस बेस्ड है और मैं यहां से बैठे बैठे उसको सर्विस दे रहा हूं हो सकता है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस है कोई भी कंसल्टेंसी सर्विस है लीगल सर्विस है वॉट एवर इट इज तो सर यहां पे बैठे बैठे मैं दे रहा हूं दैट इज वन क्रॉस बॉर्डर ट्रेड बोला जाता है सेकेंड टू सर्विस कंज्यूमर ऑफ एनी अदर कंट्री इन इंडिया सर यूएस का एक पर्सन इंडिया में आया हुआ है और मैं उसको इंडिया में सर्विस दे रहा हूं रिमेंबर मैं यहां से डायरेक्टली वहां पे नहीं दे रहा हूं वहां पे बैठे बैठे कोई लोगों को नहीं दे रहा हूं वो बाहर के लोग जो है ना वो इंडिया में आए हुए हैं और मैं यहां पे उनको ये सर्विस दे रहा हूं ये इंडिया से बाहर देना या बाहर वाले को इंडिया में देना दर्ट इज सेकेंड मोर टू कंजम्पन अब्रॉड सर इसका एग्जाम्पल ट सपोज आई हैव एन हॉस्पिटल ओवर हियर और मैं एक सर्जरी कर रहा हूं फॉरन रेसिडेंट जो है वो इंडिया में आया मेरे पास और हम उसको यहां पर सर्विस देंगे गाइस तो बेटा उसने अल्टीमेट कंजम्शन क्यों किया वो लोग बोलते हैं कंजन इज एब्रॉड हम ऐसे मानेंगे बट दैट इज पॉइंट टू कैटेगरी वी आर पॉइंट टू सर्विस प्रोवाइडर्स सर एजुकेशन सर्विस हो सकता है यहां पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है यस और फॉरेन स्टूडेंट्स यहां पे पढ़ने के लिए आते हैं यस वो भी कैटेगरी टू सर्विस प्रोवाइडर्स में जाएंगे कैटेगरी थ्री थ्रू कॉमर्शियल प्रेजेंस इन एनी अदर कंट्री थ्रू कॉमर्शियल प्रेजेंस इन एनी अदर कंट्री इसका मतलब सर मेरी कोई ब्रांच है बाहर और मुझे बाहर बाहर वाले को सर्विस देना है मैं बाहर मेरी जो ब्रांच है सर वहां से मैं सर्विस दे रहा हूं एंड पॉइंट नंबर फोर थ्रू प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन इन एनी अदर कंट्री सर एक फॉरेन एयरलाइन है वो एयरलाइन सर लेट सपोज दुबई में बिगड़ गया मैंने अपने टेक्निशियंस वहां पर भेजे और वो लोग जाके वहां पर सॉल्व करेंगे सर देट इज पॉइंट नंबर फोर तो देर आर फोर कैटेगरी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं अब आ जाओ एस सी आई एस स्कीम में गई अगेन वॉट इज द ऑब्जेक्टिव टू एनकरेज एक्सपोर्ट ऑफ नोटिफाइड सर्विस फ्रॉम इंडिया क्या सारी सर्विस को कवर किया गया या नोटिफाइड कोई नोटिफाइड कोई सर्विस प्रोवाइडर ऑफ नोटिफाइड सर्विस लोकेटेड इन इंडिया शेल बी रिवॉर्डेड अंडर एस आई एस अच्छा गुड्स में याद करोगा इस गुड्स में एम ई आई एस स्कीम में वो नोटिफाइड गुड्स होते थे और वो नोटिफाइड मार्केट में जाता था बट यहां पे वो सिर्फ सर्विस अगर नोटिफाइड है तो यहां पे मार्केट का कोई रिलेवेंस नहीं है वो आप कहीं पे भी दे दो वो यहां पे कवर हो जाएगा नेक्स्ट एलिजिबल सर्विस ओनली सर्विस रेंडर्ड इन द फॉलोइंग मैनर शेल बी एलिजिबल वन सप्लाई ऑफ सर्विस फ्रॉम इंडिया टू एनी अदर कंट्री बाहर कोई सर्विस देना क्रॉस बॉर्डर ट्रेड या कैटेगरी टू सप्लाई ऑफ सर्विस फ्रॉम इंडिया टू सर्विस कंज्यूमर्स ऑफ एनी अदर कंट्री इन इंडिया बाहर वाले को इंडिया में देना गाइस ये दो ही कैटेगरी के सर्विस प्रोवाइडर्स को एससीआई स्कीम के लिए एलिजिबल है कैटेगरी थ्री एंड कैटेगरी फोर वाले सर्विस प्रोवाइडर्स को एससीआईए स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है दिस आर द ओनली टू वन इज क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड वन इज कंसम्शन एब्रॉड बाहर वाला इंडिया में आएगा और सप्लायर इसको यहां पर देगा सर टूरिज्म और हम यहां पर टूरिज्म की उसको सर्विस दे रहे तो गाइज ओनली टू कैटेगरी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज तो आप ऑब्वियसली गाइज ऊपर पॉइंट लिखते ही रहोगे मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आप यहां पर लिख दो टू कैटेगरी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर प्लस अब आगे चलो अच्छा अब गाइस यहां पे अभी जैसे लेट सपोज मैं इंडिया में हूं मेरा क्लाइंट यूएस में है मैंने उसको आ, सर थाउजेंड डॉलर का बिल कर दिया अब मैंने थाउजेंड डॉलर का बिल कर दिया तो सर कैटेगरी वन मैं सर्विस प्रोवाइडर ओके तो सर क्या मुझे गवर्नमेंट वो थाउजेंड डॉलर के लिए एस आई स्क्रिप्ट देगा क्या वो एलिजिबल मेरे बन जाएंगे तो बोलते यार यहां पे तो बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे एक्सपोर्ट होते रहेंगे यस तो हमें ट्रांजैक्शन वाइज ट्रांजैक्शन वाइस हम नहीं देंगे वो लोग क्या बोलते हैं पहले तो आपकी एलिजिबिलिटी के लिए आपकी एलिजिबिलिटी के लिए हम एक मिनिमम क्राइटेरिया रखेंगे और अगर आपने उतने डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया है तो फिर आप एस सी आई एस के लिए एलिजिबल हो वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू फॉर एवरी स्मॉल 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 एक्सपोर्ट नहीं वेट पहले आप एलिजिबल हो जाओ और एलिजिबल होने के लिए हम आपके पूरे साल का आप कितने डॉलर एक्सचेंज रिजर्व लेके आ रहे हो कितने कन्वर्टेबल फॉरन एक्सचेंज आप लेके आ रहे हो हम वो चेक करेंगे तो टू बी एलिजिबल मिनिमम नेट फ्री फॉरन एक्सचेंज अर्निंग्स इन द रेंडरिंग सर्विस शुड बी फॉर इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर एंड सोल प्रोपरेटरशिप टेन थाउजेंड डॉलर एंड फॉर एनी अदर केस फिफ्टीन थाउजेंड डॉलर बेटा एलिजिबल बनने के लिए एलिजिबल बनने के लिए अगर आप इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर हो या सोल प्रोपरेटरशिप हो तो जो साल में आपको एस सी आई एस स्क्रिप्ट चाहिए इन द इफ रेंडरिंग सर्विस वो साल में आपका मिनिमम नेट फ्री फॉरन एक्सचेंज अर्निंग्स टेन थाउजेंड डॉलर होना चाहिए और एनी अदर केस है फिफ्टीन थाउजेंड डॉलर होना चाहिए तभी आप एलिजिबल बनोगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए पहले आप सेकेंड पॉइंट लिख दो फिर हम वापिस इस पर आते गए प्लस मिनिमम नेट फ्री फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स टेन थाउजेंड डॉलर फिफ्टीन थाउजेंड डॉलर्स अच्छा ये कौन से साल में देखना है प्रीवियस ईयर या जो साल में सर्विस आप दे रहे हो वो साल की जो साल में आप सर्विस दे रहे हो वो साल की इन द ईयर ऑफ रेंडरिंग सर्विस दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट अच्छा कम टू दिस पॉइंट अगेन गाइस जब हम बोलते हैं अर्निंग्स अर्निंग्स का मतलब क्या ग्रॉस या नेट और वैसे अगर आप पूरा देखो तो नेट अर्निंग्स नेट अर्निंग्स इसका मतलब क्या होगा गाइस ग्रॉस बेसिस या उसके उसके रिलेटेड जो एक्सपेंसिस अगर आपने किए रहेंगे तो वो माइनस करके वो देखा जाएगा ऑब्वियसली सर ग्रॉस में से वो माइनस किया जाएगा तो देखो गाइस यहां पे नेट फ्री और एक्सचेंज अर्निंग्स का मतलब है ग्रॉस अर्निंग्स आपको जितना मिला वो लेस टोटल एक्सपेंसिस पेमेंट और रेमिटेंसिस ऑफ फॉरन एक्सचेंज तो जितने आप डॉलर एक्सचेंज रिजर्व लेके आए यू ब्रॉट माइनस जितने डॉलर एक्सचेंज रिजर्व आपने स्पेंड किए हुए हैं, तो नेट आपने कितना किया वो हम देखेंगे लॉजिकल है यहां पे नेट अर्निंग्स का मतलब आपको समझ में आ रहा है ये समथिंग ग्रॉस माइनस योर एक्सपेंसिस अच्छा अब मुझे बोलो ये अर्निंग जो है ये एक्सपेंसिज जो है सर इसमें क्या क्या लिया जाएगा क्या नहीं लिया जाएगा क्या लिया जाएगा तो उसके कॉम्पुटेशन के लिए आ जाओ तो कॉम्पिटेशन वुड बी मेड फॉर सर्विस सेक्टर ओनली मेक सेंस यार स्क्रिप्ट है तो सर्विस सेक्टर ही लेंगे ना यार और क्या लेंगे देखो अब आगे क्या बोल रहे देखो फॉरेन एक्सचेंज रिसीव्ड फॉर नॉट नोटिफाइड पर्पस एग्जाम्पल इक्विटी डेट डोनेशन रीपेमेंट ऑफ लोन फॉरन एक्सचेंज रेमिटेंस अदर देजिबल कैटेगरी मतलब ये सारे आपके computation में cover नहीं होगा। कौन कौन से अगर मुझे कुछ इक्विटी मिल रहा है डेट डोनेशन रीपेमेंट ऑफ लोन मिल रहा है उसके वो बेसिस के लिए मुझे फॉरन एक्सचेंज मिल रहा है तो वो थोड़ी ना मैंने सर्विस दी है वो तो इसके बदले मुझे मिल रहा है तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा सिमिलर वे इफ आई ऑन एनी थिंग अदर देन दोडरिंग सर्विस अदर देन दो सर्विस तो वो फॉरन एक्सचेंज रेमिटेंसिस कवर नहीं होंगे यार तो ये सारे विच इज अनिलेटेड टू एंडरिंग ऑफ सर्विस दैट इज इन एलिजिबल वो मेरे कॉम्पिटिशन में नहीं जाएगा अगेन लॉजिकल नेक्स्ट और एक कंडीशन क्या डाला हुआ है कि सर जो सर्विस प्रोवाइडर है मैंने आपको बोला था आईसी व्हाट इज आईसी इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड सर अगर सर्विस प्रोवाइडर है और उसको एफटीपी में बेनिफिट चाहिए उसको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट चाहिए देन ही मस्ट हैव एक्टिव आईसी एट द टाइम ऑफ रेंडरिंग सर्विस एक बार ये लाइन रिपीट करना गाइस एक बार ये लाइन रिपीट करना वो लोग क्या बोलते हैं सर्विस प्रोवाइडर यू मस्ट द टाइम ऑफ रेंडरिंग सर्विस मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं आप ट्राई करना गाइस मैं बोला हूं एफ 2021 ट्वेंटी ट्वेंटी वन ठीक है सर लेट सपोज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ट्वेंटी अब ये टाइम तक उसका ऑलरेडी ट्वेंटी थाउजेंड नेट फ्री फॉरेन एक्सचेंज रिजोर्स हो चुके हैं तो इजी एलिजिबल फॉर एस सी आई स्क्रिप्ट द आंसर इज यस सर अक्टूबर ट्वेंटी में उसने सर्विस दिया उसके बाद लेट सपोज मार्च 21 के बाद वो एस सी आई स्क्रिप्ट के लिए जा रहा है सर ये टाइम पे ना सर उसके पास आईसी नहीं था बट जब वो अब उसको पता चला कि हाँ मुझे बेनिफिट मिलने वाला है ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मिलने वाले हैं है, तो उसने यहां पे सर आईसी अप्लाई किया और फिर वो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मांगने गया तो बेटा जब वो ड्यूटी क्रेडिट स्लिप मांगने जा रहा है तब उसके पास आईसी है पर जब वो सर्विस दे रहा था तब उसके पास आईसी नहीं है तो क्या उसे एस सी आई एस का बेनिफिट मिलेगा द आंसर इज नो जब आप सर्विस दे रहे हो जब आप सर्विस दे रहे हो ऐसे नहीं कि बेनिफिट लेना है तो आईसी लो नहीं ऐसा नहीं आपको पता होना चाहिए यू शुड बी एक्वेंटेड विद द लॉ सो जब आप सर्विस दे रहे हो तब आपके पास आईसी होना चाहिए वो तब आपको हम एस सी आई एस का बेनिफिट देंगे इस क्लियर है तो और एक पॉइंट यहां पे लिख दो प्लस आईसी होल्डर एट द टाइम ऑफ रेंडरिंग सर्विस

तो इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से भी अगर पैसे पे कर दिए तो दैट विल बी टेकन इन टू का अकाउंट फॉर कॉम्प्यूटेशन यस लॉजिकल है यार इसमें क्या लिखना जरूरत है लिख दिया तो लिख दिया गाइस क्लियर है यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर है अब आप क्वेश्चन सॉल्व करो अब मुझे बताओ क्या डिफिकल्ट है एससीआईस में एग्जामिन वेदर बेनिफिट ऑफ एस सी आई एस कैन बी अवेल्ड विद रिस्पेक्ट टू नोटिफाइड सर्विसेज Provided by service provider located in India in the current financial year in the following independent cases. First case, net free foreign exchange earned by Mr. Aniket, a service provider in the year of rendering service is three thousand dollars. क्या लगता है? क्या उसे SCIS के लिए वो eligible है? नहीं सर, वो individual है या sole proprietorship है? In that case, उसके ten thousand dollars होने चाहिए थे. उसके क्राइटेरिया meet नहीं होते सर, भूल जाओ. Second, X and Y brothers, a form of service providers, has earned net free foreign exchange to the tune of 16,500 in the year of rendering service. Achha, it's a form, it's not a sole proprietorship, it's a partnership form, guys. In that case, $15,000. Ka criteria has 16,500. Therefore, he is eligible.

आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफर टू ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट चलो आ जाओ रिश्ता प्रोवाइड सर्विस एलिजिबल फॉर एस सी आई स्क्रीप्ट शी वॉन्ट्स टू सेल एस सी आई स्क्रिप्ट ऑन बाय हर कैन शी डू सो अच्छा एक पॉइंट गाइस ये जो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट आपको मिलता है दिस ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट आर फ्रीली ट्रांसफरेबल इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है दे आर फ्रीली ट्रांसफरेबल सर ऐसा क्यों अब देखना गाइस मैंने आपको क्या क्या पॉइंट बोला था आप उसको जोड़ते जाना गाइस वी हैव अ पर्सन हु इज एलिजिबल फॉर एम ई आई एस और एस सी आई एसप्टर वो एस सी आई स्क्रिप्ट कितने तक कितने पीरियड तक वैलिडिटी होती है ट्वेंटी फोर मंथस अब अगर लेट सपोज मेरे अगर कोई फ्यूचर में इंपोर्ट होने ही नहीं वाले ठीक है तो लेट सपोज मैं उसको यूज नहीं कर पाया तो क्या मैं वो एस सी आई स्क्रिप्ट किसी और को बेच सकता हूं द आंसर इज यस फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मेरे पास वन लाख रुपीज का ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट था तो मैं अगर बाहर से इंपोर्ट करके लेके आऊंगा तो मेरा वन लैख का इंपोर्ट ड्यूटी यहां से मैं पे कर सकता हूं द आंसर इज यस अब मैं इसको यूज नहीं कर पा रहा हूं तो क्या मैं इसको बेच सकता हूं द आंसर इज यस अब जब मैं इसे बेचूंगा बेटा तो ऐसा मत बोल देना सर आप इसे आप इसे, आप इसे एक लाख दस हजार में बेच दो तो। आपको क्या लगता है कोई पर्सन खरीदेगा एक लाख दस हजार में एक लाख दस हजार का वो खरीदेगा मेरे से और खुद की एक लाख की ड्यूटी बचाएगा थोड़ा सा लॉजिकल बोलो यार थोड़ा सा लॉजिकल विल दिस बी सेल एट अ प्रीमियम और एट अ डिस्काउंट एट अ डिस्काउंट लॉजिकल है एट अ डिस्काउंट और फ्रॉम द बायर्स एंड अगर उसे ये अगर उसे ये नब्बे हजार में मिल रहा है

इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आप आराम से ये ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स को बेच सकते हो <coughs> आया पॉइंट जीएसटी का गाइस तो जीएसटी के लिए डिस्प्यूट हुए थे कि क्या ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट आर दे सिक्योरिटी द आंसर इज नो दे आर नॉट सिक्योरिटी दे आर नॉट सेक्योरिटी टेक्निकली इस पे प्री जीएसटी वैट आता था, था गाइस तो आज के डेट में गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है गवर्नमेंट ने बोला यस दे आर लाइबल फॉर जीएसटी बट आर एग्जिमटिंग इट तो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट पे जीएसटी रेट जीरो है जीएसटी रेट इज जीरो परसेंट भाई यहां तक क्लियर है चलो कैन ए मैन्युफैक्चर इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग द इनपुट्स सोर्स द सेम इंडिज़ीनियसली मतलब विद इन इंडिया विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी बोलो बेटा क्या एक मैन्यूफेक्चर है वो अगर बाहर से नहीं लेके आ सकता तो क्या वो विद इन इंडिया खरीद के वो जीएसटी पेमेंट के लिए यूज कर सकता है क्या द आंसर इज नो जीएसटी पेमेंट के लिए वो यूज नहीं कर सकता बिकॉज फाइनेंस लॉ में उसमें कहीं पे ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया ही नहीं है एन एक्सपोर्टर हैज ड्यूटी क्रेडिट डेटेड जुलाई इज द पीरियड विद इन विच ही मस्ट यूटिलाइज द स्क्रिप्ट ट्वेंटी फोर मंथ एक्सपोर्टर एक्सपोर्टेड लेदर फुटवेर थ्रू कुरियर यूजिंग ई कॉमर्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्वेंटी फोर थाउजेंड कैन ही अप्लाई फॉर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट अंडर एम आई एस स्कीम यस अपलिजिबल है फाइव लैक्स की वैल्यू मतलब फाइव लैक्स तक मैक्सिमम लिमिट्स है यस गाइस ये दो स्कीम्स अपने हो गए हैं नेक्स्ट वॉट विल डू इज स्टेटस होल्डर चलो गाइस नाउ वॉट आर स्टेटस होल्डर्स अच्छा गाइस अभी देखो क्या होता था गाइस एक्सपोर्टर्स गवर्नमेंट को बोलते थे कि यार हम इतने एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं हम इतना फॉरन एक्सचेंज लेके आ रहे और हमें कोई रिकग्निशन भी नहीं मिलता है। तो दे वेंट तो दे, दे, दे रिक्वेस्टेड गवर्नमेंट कि देखो हम इतने एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें कुछ प्रिविलेज भी मिलनी चाहिए हमें कुछ रिकोग्निशन भी मिलता है मिलना चाहिए तो गवर्नमेंट ने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया दे कॉल्ड इट स्टेटस होल्डर्स तो सर स्टेटस होल्डर्स कौन रहेंगे स्टेटस होल्डर्स आर बिजनेस लीडर्स हु इंटरनेशनल ट्रेड एंड हैव सक्सेसफुली कंट्रीब्यूटेड द कंट्रीज फॉर ट्रेड स्टेटस दे डिपेंड्स अपॉन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ऑब्वियसली यार जिसने ज्यादा एक्सपोर्ट किया रहेंगे उसको इतना हम रिकॉग्निशन देंगे ऑब्वियसली अच्छा सर ये जो आप बोल रहे हो Sir, ये कैसे डिटरमाइन करेंगे तो ऑब्वियसली उन्हें कितने एक्सपोर्ट्स किए हैं वो बेसिस पे रहेगा और सर एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या रहेगा सर एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट का मतलब कि आप कितने डॉलर एक्सचेंज रिजर्व लेके आए सिंपल इट इज एफओबी वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट अर्निंग्स मेड इन फ्री फॉरन एक्सचेंज अच्छा सर वी हैव दिस एक्स पर्सन उसने बाहर एक्सपोर्ट किया तो वो डॉलर लेके आएगा यस बट सर लेट सपोज यहां पे एक पर्सन है इसको सप्लाई किया गया तो एफ में डीम्ड एक्सपोर्ट बोला गया है अब वो डीम्ड एक्सपोर्ट क्यों बोला गया है फॉर एग्जाम्पल वाई इज ईओ यू वाई इज एन ईओ यू अब वो ईओ यू है तो वो जनरली एक्सपोर्ट करता रहेगा और एक्सपोर्ट करने के लिए क्या वो बाहर से रॉ मटेरियल लाता रहेगा यस yes. तो कहने से ईओ यू के लिए वो बाहर से बाहर से रॉ मटेरियल लेके आ रहा है मतलब डॉलर एक्सचेंज रिजर्व इंडिया के बाहर जा रहे अब ये पर्सन अगर इसको सप्लाई करता है तो कहने से डॉलर एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गए बच गए और ये हमने पहले भी डिस्कस किया था इन जीएसटी कि सिर्फ डॉलर लेके आना इंपॉर्टेंट नहीं है डॉलर का आउटफ्लो रोकना वो भी इंपॉर्टेंट है तो गाइज यहां पे जब वो लोग बोल रहे हैं कि एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस हम देखेंगे तो हम ये ये भी देखेंगे कि आप डॉलर कितना लेके आए प्लस आपने कितने डॉलर को बचाया मतलब सर क्या डीम्ड एक्सपोर्ट कर देना इन इंडियन रुपीस चलेगा इवन दैट विल बी कंसिडर इन टेकन इंटू कंसिडरेशन यस तो गाइज प्लीज रिमेंबर इन स्टेटस होल्डर्स आप जितना डॉलर लेके आ रहे हो विच इज कमिंग इन प्लस कितने डॉलर आपने बचाए क्यों बचाए बिकॉज आप वो लोग को एक्सपोर्ट वो लोग को भेज रहे हो जो डीम्ड एक्सपोर्ट के कैटेगरीज में है बेसिकली तो एफ ओ आर फ्री ऑन रोड वैल्यू ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट इन इंडियन रूपी कन्वर्टेड इन टू यूएस डॉलर एक्सचेंज आपको ये जो आई एन आर आपको मिला वो आपको डॉलर एक्सचेंज में कन्वर्ट करना पड़ेगा एट द एक्सचेंज रेट नोटिफाइड बाई सीबीआईसी एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट अप्रिल ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर मतलब पूरे साल के लिए जो फर्स्ट अप्रैल का डेट रहेगा वो ही चलेगा अच्छा अब ये जो स्टेटस होल्डर है गाइस ये आपको एक्सपोर्ट आपने कितने किए उसके ऊपर है तो क्या वो एक ही साल के देखे जाएंगे या पीछे के साल के भी देखे जाएंगे तो बोलते कि फॉर एन एप्लीकेंट इज हेल्ड ए स्टेटस होल्डर अपॉन अचीविंग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द करंट एंड द प्रीवियस थ्री फाइनेंशियल ईयर आपका करंट फाइनेंशियल ईयर प्लस प्रीवियस थ्री फाइनेंशियल ईयर्स यू हैव टू अचीव एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इन ऑल दिस इयर्स एंड फॉर ग्रांटिंग स्टेटस एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इज रिक्वायर्ड इन एटलीस्ट टू आउट ऑफ दिस फोर ईयर्स सर आपको क्या स्टेटस एकमिशन दिया जाएगा बोलते कि अगर आप थ्री मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते हो इन दैट केस वी विल गिव यू वन स्टार एक्सपोर्ट हाउस ट्वेंटी फाइव मिलियन डॉलर टू स्टार हंड्रेड मिलियन डॉलर्स थ्री स्टार फाइव हंड्रेड मिलियन डॉलर्स फोर स्टार एंड टू थाउजेंड मिलियन डॉलर फाइव स्टार सर हमें क्या ये याद रखना पड़ेगा यस yes. बिकॉज इसके लिए क्वेश्चन आ जाता है कि स्टेटस होल्डर क्या लिमिट है स्टेटस होल्डर्स की तो सिंपल पहले थ्री याद रखो दैट ऑलमोस्ट एट टाइम्स मल्टीप्लाई होगा ऑलमोस्ट ठीक है सो अब एट टाइम्स है बट ट्वेंटी फाइव देन मल्टीप्लाईड बाई फोर देन फाइव देन फोर ओके okay. अब अगर कोई आपको बोले कि मैं टू स्टार एक्सपोर्ट हाउस हूं तो आपको पता चलेगा गाइस वो मिलियन डॉलर से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है कोई अगर आपको बोलेगा मैं फोर स्टार एक्सपोर्ट हाउस हूं तो वो कंपनी फाइव हंड्रेड मिलियन डॉलर से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है गाइस मतलब आप देखो कितने यूज है इनके यस ऑब्वियसली सर ये सिर्फ स्टेटस होल्डर जो दिया गया गाइस इसके रिलेटेड आपको कुछ बेनिफिट भी मिलेगा कुछ प्रिविलेज भी मिलेंगे तो वो भी हम डिस्कस करेंगे विच आर द इन एलिजिबल द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ऑफ वन आईसी होल्डर दे कैन नॉट बी बी परमिटेड टू टू ट्रांसफर टूर आईसी होल्डर मेक सेंस एक्सपोर्ट मेड ऑन बेसिस इज बेसिस कि आपने पहले एक्सपोर्ट किया था फिर वो वापिस आया और आपको उसको री एक्सपोर्ट करना है तो वो जो री एक्सपोर्ट किया दैट विल नॉट बी टेकन इंटू कंसिडरेशन नेक्स्ट प्रिविलेजेस क्या है गाइस यहां पे तो स्टेटस होल्डर शेल बी एलिजिबल फॉर प्रियर एस अंडर सेल्फ डिक्लेरेशन बेस्ड क्लियरेंसेस मेनी टाइम्स हमें यहां पे कुछ सर्टिफिकेशन चाहिए रहेंगे कुछ परमिशन चाहिए रहेंगी तो गाइस इन लोगों को अगर वो लोग ने सेल्फ डिक्लेअर कर दिया तो भी चल जाएगा अगर साइन नॉर्म्स फिक्स नहीं है और इनकी रिक्वेस्ट आई तो इनको प्रायोरिटी में लिया जाएगा जहां पे भी बैंक गारंटी देनी है उनके लिए उनको एग्जिबिशन है दे कैन स्टार्ट एक्सपोर्ट वेयर हाउसेस ठीक है दे कैन स्टार्ट एक्सपोर्ट वेयर हाउसेस और एक्सपोर्ट वेयर हाउसेस गाइस कैन बी डन ओनली फॉर टू स्टार और मोर

एंड प्रायोरिटी इन हैंडलिंग ऑफ कंसाइनमेंट तो यह आपको बेनिफिट मिलेगा बिकमिंग अ स्टेटस होल्डर मेन टाइम्स ए आस्क विच आर द वॉट आर द प्रिविलेज ऑफ अ स्टेटस होल्डर तो आपको यह भी क्वेश्चन थियरी क्वेश्चन पूछते हैं ये भी थियरी क्वेश्चन पूछते गाइड्स नेक्स्ट सर स्टेटस होल्डर जो है ये अगर एफओसी एफओसी बेसिस पे कुछ एक्सपोर्ट करना है फॉर प्रमोशन तो वो क्या वैल्यू तक क्या लिमिट तक कर सकते हैं गाइस स्टेटस हैल्डर शेल बी एंटाइटल टू एक्सपोर्ट फ्रीली मतलब विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन एक्सपोर्टेबल आइटम ऑफ एफओन एफओसी बेसिस फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन सब्जेक्ट टू द एनुअल लिमिट जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए और आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड एंड प्रिशियस मेडल के लिए वन करोड़ और टू परसेंट ऑफ द एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट रियलाइजेशन ड्यूरिंग प्रिसिंग थ्री लाइसेंसिंग इन विच एवर इज लोअर पीछे के तीन लाइसेंसिंग इतना उसने कितने एक्सपोर्ट रियलाइजेशन किए उसका एवरेज निकालो उसका टू परसेंट निकालो और वन करोड़ विच एवर इज लेस सप्लाई ऑफ फार्मा प्रोडक्ट्स वैक्सीन लाइफ सेविंग ड्रग्स टू द हेल्थ प्रोग्राम ऑफ इंटरनेशनल एजेंसी सच एस यू एन डब्ल्यू एच ओ एक्सेट्रा एट परसेंट during the preceding three financial years. Export of pharma products by pharmaceutical companies, any other case. 2% of the average export realization. यहाँ पे वो एक करोड़ की लिमिट नहीं है यहाँ पे भी एक करोड़ की लिमिट नहीं है नेक्स्ट अगर आप ये एफओसी बेसिस पे सप्लाई कर रहे हो गाइस तो आपको इसके ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा या और भी कोई एक्सपोर्ट इंसेंटिव नहीं मिलेंगे इट्स ओके okay. आपको स्टेटस होल्डर के लिए क्या याद रखना है तो ये पॉइंट आपको याद रखने गाइस नेक्स्ट नेक्स्ट वी हैव ड्यूटी एग्जेपन स्कीम्स गाइस अंडर एफ और जो ड्यूटी एक्जन स्कीम है गाइस वो दो स्कीम्स होती है गाइस यहाँ पे वन वी हैव एडवांस ऑथोराइजेशन एंड वन वी हैव ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑथोराइजेशन दोनों में आप देख रहे हो गाइस दिस इज नथिंग बट एन ऑथोराइजेशन और ये ड्यूटी एग्जेपन की बात है ड्यूटी एग्जेपन की बात है मतलब अगर कोई रॉ मटेरियल मैं लेके आ रहा हूं कोई प्रोडक्ट्स में लेके आ रहा हूं उससे मुझे ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है ड्यूटी ड्रॉबैक में क्या होता था आप पे करने के बाद एक्सपोर्ट करते थे तो आपने जो पे किया है उसका ड्रॉबैक मिल जाता था बट यहां पे तो आपको वो पे करने की जरूरत ही नहीं है तो आप विदाउट मेकिंग एनी पेमेंट ऑफ ड्यूटी यू कैन ब्रिंग इन रॉ मटेरियल आप एक्सपोर्ट कर दो एक्सपोर्ट ऑब्लिकेशन जो रहेगा वो फुलफिल कर दो तो आपको फिर ड्रॉबैक की तो बात ही नहीं है ना तो आपने पे ही नहीं किया फिर तो तो ये इनिशियल सोर्स लेवल पे ड्यूटी बचाने की बात है यस। yes. अच्छा इसमें और एम एस और एससीएस में क्या डिफरेंस है सर एमएस और एससीएस आपको एक रिवॉर्ड दिया गया है आप इतने एक्सपोर्ट्स करो, तो गवर्नमेंट आपको इतने ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट देगा दैट इज अ रिवॉर्ड दैट इज एन इंसेंटिव यस ओके ड्यूटी डेमिशन का मतलब क्या कि ड्रॉबैक मिल जाना ये यहां पे डील नहीं करेंगे बिकॉज ये सेक्शन 74, 75 ऑलरेडी डील कर रहेगा इस okay. यहां पे भी तो क्या वैल्यू एडिशन की क्राइटेरिया रहेगी यस और वैल्यू एडिशन मतलब क्या एक्सपोर्ट वैल्यू माइनस इंपोर्ट वैल्यू डिवाइड बाई द इंपोर्ट वैल्यू ये इसकी फॉर्मूला है वेरी सिंपल चलो लेट्स अंडरस्टैंड एडवांस ऑथोराइजेशन गाइस एडवांस ऑथोराइजेशन नाम में ही बहुत मतलब है गाइस दिस इज एक्स पर्सन इसके पास एक एक्सपोर्ट ऑर्डर आया है ये एन एक्सपोर्ट ऑर्डर टू बी फुलफिल्ड अब सर एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए उसे रॉ मटेरियल चाहिए अब वो सर यहां पे ड्यूटी पे करेगा यहां पे वो ड्यूटी पे करेगा फिर वो एक्सपोर्ट कर लेगा फिर वो ड्यूटी ड्रॉबैक मांग ले इससे अच्छा बेटर है ना सर कि वो यहां पे ड्यूटी ही पे ना करे यहां पे वो विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी लेके आएगा विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी लेके आएगा प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेगा उसकी प्रॉमिस करेगा और फिर जैसे ही उसने एक्सपोर्ट कर दिया उसके एक्सपोर्ट ऑब्लिकेशन फुलफिल हो गए तो गवर्नमेंट बोलेगा चलो ठीक है खत्म हो गया बात तो गाइस क्या इसने एडवांस में एडवांस में इसने एक परमिशन ले ली इसने एक ऑथोराइजेशन ले लिया कि अलाउ मी टू इंपोर्ट ड्यूटी फ्री दिस मटेरियल विच इज गोइंग टू बी यूज इन द फाइनल प्रोडक्ट विच आर गोइंग टू बी एक्सपोर्टेड बड़ा लिंक कर पा रहे हो ना यस ड्यूटी ड्रॉबैक में क्या होता था ड्यूटी ड्रॉबैक में पहले ये होता था फिर एक्सपोर्ट होता था और फिर आप ड्रॉबैक मांगते थे बट यहां पे तो एट सोर्स आपको पैसे पे करने की ही जरूरत नहीं है यस सो एडवांस ऑथोराइजेशन इज इश्यूड टू अलाउ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स विच आर फिजिकली इनकॉर्पोरेटेड इन द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट एंड फ्यूल ऑयल कैटलिस्ट एक्सेट्रा क्या मैं स्पेयर पार्ट भी लेके आ सकता हूं मैं मशीन लेके आया बट क्या इसके लिए जो स्पेयर पार्ट है इंपोर्ट ऑफ मशीनरी स्पेट विच आर रिक्वाइड विधक्टिटेड सी एफ वैल्यूराज नेक्स्ट सर एडवांस ऑथोराइजेशन अगर साइन नॉर्म्स फिक्स्ड है तो आप ले सकते हो अगर सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे भी ले सकते हो या एप्लीकेंट स्पेसिफिक प्रायर फिक्सेशन ऑफ द नॉम्स बाय द नॉम्स कमेटी सर अगर साइन में नहीं है तो मैं नॉम्स कमेटी के पास गया नॉर्म्स कमेटी ने मुझे फिक्स करके दे दिया वो रेशियो पे या ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ रेटिफिकेशन स्कीम ऑफ एफ टीपी सर एडवांस ऑथोराइजेशन इट इज बेस्ड ऑन साइन नॉर्म्स या साइन नॉर्म्स नहीं भी है तो सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे भी चल जाएगा या नॉर्म्स कमिटी के पास से आपने जो नॉर्म्स फिक्स करवाए देंगे वो नॉर्म्स से चल जाएगा या फिर सेल्फ रेटिफिकेशन स्कीम के बेसिस पे चल जाएगा नाउ विच एक्सपोर्टर्स आर कवर्ड ओवर हियर बोथ मैन्युफेक्चरर एक्सपोर्टर एंड मर्चेंट एक्सपोर्टर्स आर एलिजिबल नेक्स्ट विच आर द एलिजिबल एक्सपोर्ट सर मैं कहां, कहां पे एक्सपोर्ट कर सकता हूं एक तो आप यूएस एक्सपोर्ट कर सकते हो या फिर आप एसड को दे सकते हो या फिर डीम्ड एक्सपोर्ट क्राइटेरिया में आ जाएगा या फिर सप्लाई टू यूएन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूएन एडेड प्रोडक्ट्स तो इनको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो सर मेरे को एसीजेड से ऑर्डर आया एसी के ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए मैंने रॉ सर बिकॉज यू आर अ मैन्युफैक्चरर ओवर हियर तो आपको एक वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा और वो वैल्यू एडिशन कितना करना पड़ेगा वो लोग बोलते हैं कि मिनिमम वैल्यू एडिशन फिफ्टीन का होना चाहिए अब मुझे बताओ ना अगर एक्सपोर्ट वैल्यू एक करोड़ का है और इंपोर्ट वैल्यू जो है दैट इज लेट सपोज एटी लैक्स तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि 15 परसेंट हुआ या नहीं हुआ तो वो लोग ने एक फॉर्मूला दिया था वैल्यू एडिशन का वो लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट वैल्यू माइनस इंपोर्ट वैल्यू अपने एग्जांपल में 20 लैक्स डिवाइड बाई इम्पोर्ट वैल्यू इंपोर्ट वैल्यू कितना था एटी लैक्स तो ये परसेंटेज आ जा जाएगा परसेंटेज विल बी ट्वेंटी फाइव परसेंट तो येस दिस इज एलिजिबल फॉर एडवांस ऑथोराइजेशन नेक्स्ट ड्रॉबैक अलाउड ऑन ड्यूटी पेड मटीरियल यूज इन दी एक्सपोर्ट सर यह क्या पॉइंट बोल रहे हैं वो लोग बोल रहे कि सपोज एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए बी प्रोडक्ट को बनाने के लिए मेरे को ए प्रोडक्ट भी चाहिए और सी प्रोडक्ट भी चाहिए अब सर ए प्रोडक्ट जो है ना वो आउटसाइड इंडिया से आएगा और सी जो है वो विद इन इंडिया से आएगा सर हमने इसको भी यूज किया इसको भी यूज किया और बी बनाया तो सर ये बी को जो मुझे एक्सपोर्ट करना है क्या मैं ए के लिए एडवांस ऑथोराइजेशन ले सकता हूं आंसर इज यस द आंसर इज यस बट सर क्या सी सी के लिए मैं एडवांस ऑथोराइजेशन ले सकता हूं आंसर इज नो बिकॉज सी तो विद इन इंडिया का ही परचेस है गाईस. तो सी तो आप यहां पे करके लेके आओगे बट क्या उसके डेट आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा द आंसर इज यस तो यहां पे अगर आपने विद इन इंडिया जो ड्यूटी पे की रहेगी गाइस उसके डेट आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा तो एक सिंपल आपको एक क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं कि क्या एडवांस ऑथोराइजेशन की स्कीम में क्या मुझे टोटल रॉ मटेरियल बाहर से ही लेके आना है या मैं विद इन इंडिया का भी कोई मटेरियल यूज कर सकता हूं बोलते हैं यस यू कैन यूज इंडियन मटेरियल आल्सो और वो इंडियन मटेरियल के लिए आपको ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम करना पड़ेगा गाइस गाइस यहां तक भी क्लियर चलो नेक्स्ट एग्जाम ड्यूटी बोलते हैं कौन कौन सी ड्यूटीज आपकी एग्जेम रहेगी तो आपको यहां पे जब आप ड्यूटी फ्री बोल रहे हो ना बेटा तो कौन कौन सी ड्यूटी आपको एग्जेम रहेगी बोलते बीसीडी सीवीडीसी एंटी डी एं सेफगार्ड सेफ गार्ड ड्यूटीज अंटरवे ड्यूटी दुटी, सारी ड्यूटीज ड्यूटी है आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है बट एंटी डंपिंग सेफ गार्ड एंटी सब्सिडी विल नॉट बी एक्ज इन केस ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट्स बाय वे ऑफ ईपीसीजी और यूएन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो ये कुछ कैटेगरी ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट्स है उसके लिए इन ड्यूटीज़ का एग्जामेशन अवेलेबल नहीं है ठीक है नॉट दैट मच रेलिवेंट अ पॉइंट बट ये पॉइंट रिलेवेंट है गाइस सारे की सारी ड्यूटी ड्यूटी फ्री आ सकती है गाइस मतलब सारे के सारे ड्यूटीज है गाइस वो प्रोडक्ट जो आएगा वो उसमें ड्यूटी फ्री आएगा गाइस नेक्स्ट सर इसमें आईजीएसटी और कंपेंसेशन सेस उसके भी एक्जेम्पन है सो इंपोर्ट्स अंडर एडवांस ऑथोराइजेशन फॉर फिजिकल एक्सपोर्ट्स और फॉर डोमेस्टिक सप्लाई बाय अ पर्सन अंडर जीएसटी अगेंस्ट एडवांस ऑथोराइजेशन ईएचटीपी दे आर एक्जेम फ्रॉम आईजीएसटी एंड एंड कंपेंसेशन नेक्स्ट इन केस ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई बाय फॉरन बायर नोशनल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स इज एडेड टू द परचेज और सेल्स फॉर डिटर्माइनिंग द वैल्यू एडिशन एंड नॉट फॉर रियलाइजेशन सर अगर मुझे जो इम्पोर्टर है सर उसने कुछ एफओसी सप्लाई किया था तो वो जो नोशनल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स है दैट विल बी टेकन इन टू कंसिडरेशन इन बोथ माई परचेज ऑल्सो एंड माई सेल्स ऑल्सो बिकॉज दैट विज गोइंग टू बी इनकॉर्पोरेट इन माई सेल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट तो दोनों में आप इनकॉर्पोरेट करो और फिर फाइंड आउट करो वैल्यू एडिशन परसेंटेज नेक्स्ट सर एडवांस ऑथोराइजेशन इज सिंपल मतलब मैं गवर्नमेंट को एक एक्सपोर्ट ऑर्डर दिखाऊंगा कि देखो मेरे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर है और ये एक्सपोर्ट ऑर्डर के बेसिस पे मुझे कुछ रॉ मटेरियल चाहिए जो मैं ड्यूटी फ्री लेके आऊंगा और वो जो ड्यूटी फ्री मैं लेके आऊंगा उससे मैं फाइनल प्रोडक्ट जो बनाऊंगा वो मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो सर ये मुझे जो रॉ मटेरियल लेके आना है सर वो कितने टाइम लिमिट में लेके आना है तो टाइम लिमिट वो लोग बोल रहे लिमिटे ट्वेल्व और आपको फिर जो एक्सपोर्ट करना है सर वो एक्सपोर्ट कितने टाइम लिमिट में करना है दैट इज विद इन एटीन मंथ्स और वैल्यू एडिशन कितना है फिफ्टीन परसेंट वैल्यू एडिशन है गाइस अब इतना याद रखो देखो ना कितना सिंपल है एडवांस ऑथोराइजेशन इज अ फैसिलिटी टू अलाउ इम्पोर्ट इनपुट्स विच आर गोइंग टू बी यूज और रिक्वायर्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट विदाउट एनी पेमेंट ऑफ ड्यूटी सब्जेक्ट टू फिफ्टीन परसेंट वैल्यू एडिशन और ये इंपोर्ट आपको कितने टाइम लिमिट में करना है ट्वेल्व मंथ्स और एक्सपोर्ट कितने टाइम लिमिट में करना है एटीन मंथ्स नेक्स्ट सर टाइम्स क्या होता है सर कि मेरे पास बहुत सारे एक्सपोर्ट ऑर्डर है वन टू थ्री फोर सर पूरे साल के मेरे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर है अब पूरे साल के मेरे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर है तो मुझे पूरे साल पूरे साल रॉ मटेरियल को लेके आना है सर यस yes. तो सर क्या एवरी कंसाइनमेंट के लिए मैं एडवांस ऑथोराइजेशन के लिए जाऊं नहीं मुझे एनुअली बेसिस के लिए जाना है गाईस. एडवांस ऑथोराइजेशन फॉर रिक्वायरमेंट शेल ओनली बी इश्यूड फॉर आइटम्स नोटिफाइड इन साइंस यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट है ओनली इफ इट इज नोटिफाइड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉम्स तो ही आप एनुअल लाइसेंसिस के लिए जा सकते हो एन्युअल ऑथोराइजेशन के लिए जा सकते हो येस इट इज नॉट अवेलेबल इन द केस ऑफ एडॉक having past performance in at least टू फाइनेंशियल शेल बी एंटेटल्ड एंटेटलमेंट इन केस ऑफ सी एफ वैल्यू ऑफ द इम्पोर्ट्स मैं सर कितना लेके आ सकता हूं वायर ऑफ थ्री हंड्रेड परसेंट ऑफ द एफओवी वैल्यू ऑफ द फिजिकल एक्सपोर्ट्स और एफओ आर वैल्यू ऑफ द डीम्ड एक्सपोर्ट इन द प्रिडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑर वन करोड़ विच एवर इज हायर सर पिछ, पिछले साल में आपने कितने फिजिकल एक्सपोर्ट्स किए थे कितने डीम्ड एक्सपोर्ट्स किए थे वो टोटल मिला के उसका थ्री हंड्रेड परसेंट और वन करोड़ विच एवर इज हायर उतना आपको एंटाइटलमेंट दिया जाएगा गाइस गाइस क्लियर है यहां तक नेक्स्ट नेक्स्ट एक अच्छा सा पॉइंट है ये अच्छा सा पॉइंट सुनना आप सर अब कहना से ए के पास एडवांस ऑथोराइजेशन है बराबर वो है वो एडवांस ऑथोराइजेशन लेके आएगा डीजीएफटी से यस yes. सर मैं मेरे पास अगर एडवांस ऑथोराइजेशन है तो टेक्निकली मुझे बाहर से रॉ मटेरियल लेके आना है यस बट सर क्या ये पर्सन विद इन इंडिया भी सर्च नहीं कर सकता सर कि उसे रॉ मटेरियल मिल जाए क्या मुझे आउटसाइड इंडिया से ही लेके आना है या मैं विद इन इंडिया से भी प्रोक्योर कर सकता हूं तो लोग बोलते हैं आप विद इन इंडिया से भी प्रोक्योर कर सकते हो उसमें कोई इश्यू नहीं है तो सर ये तो मैं डोमेस्टिक सोर्सिंग कर रहा हूं यस yes. डोमेस्टिक सोर्सिंग कर रहे हो गाइस तो इसका प्रोसीजर क्या रहेगा तो इसके लिए गाइस ये एक पॉइंट है होल्डर ऑफ एडवांस ऑथोराइजेशन हैज एन ऑप्शन टू प्रोक्योर द मटेरियल और इनपुट फ्रॉम द इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरर्स विद इन इंडिया और स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज इन ली ऑफ डायरेक्ट इंपोर्ट अगेंस्ट एडवांस रिलीज ऑर्डर और इन वैलिडेशन लेटर और बैक टू बैक इनलैंड लेटर ऑफ क्रेडिट हाउएवर एडवांस ऑथोराइजेशन होल्डर में ऑब्टेन सप्लाई फ्रॉम iou estp aszd यूनिट्स विदाउट ऑब्टेनिंग aro और इनवैलिडेशन लेटर यू कैन प्रोक्योर डोमेस्टिकली आल्सो गाइस यू कैन प्रोक्योर डोमेस्टिकली आल्सो और इसके बदले में आपको क्या देना पड़ेगा व्हिच इज एन एडवांस रिलीज ऑर्डर और एन इनवैलिडेशन लेटर और अ बैक टू बैक लोसी ये आपको इश्यूज करने पड़े ये आपको देना पड़ेगा गाइस सर आपने ये जो डोमेस्टिकली प्रोक्योर किया सर ये सप्लायर ये सप्लायर एक ए ए होल्डर एडवांस ऑथोराइजेशन होल्डर को सप्लाई कर रहा है सर वाई को बोला जाएगा कि आप डीम्ड एक्सपोर्ट कर रहे हो वाई के लिए ये डीम्ड एक्सपोर्ट हो जाएगा एन एडवांस ऑथोराइजेशन होल्डर वो आउटसाइड इंडिया से भी प्रोक्योर कर सकता है या विद इन इंडिया से भी खरीद सकता है और विद इन इंडिया से अगर खरीदा तो सर वाई को डीम्ड एक्सपोर्ट के कैटेगरी में डाल देंगे सर नेक्स्ट सर एडवांस ऑथोराइजेशन जो है ना सर दे आर नॉट ट्रांसफरेबल दे आर नॉट ट्रांसफरेबल सर एडवांस ऑथोराइजेशन होल्डर वो जो एडवांस ऑथोराइजेशन है वो किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता सर अच्छा सर लेट सपोज ये एग्जाम्पल में उसके पास एक्सपोर्ट ऑर्डर आया था दस करोड़ का और दस करोड़ के लिए उसने रॉ मटेरियल उस पर जो ड्यूटी बनती रहेगी लेट सपोज उस पर ड्यूटी बनती है एक करोड़ की बट उसने गवर्नमेंट को बोल दिया कि देखो मेरे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर है और ये जो रॉ मटेरियल्स आएंगे मैं इसको एक्सपोर्ट करने में यूज कर दूंगा तो मेरी एक करोड़ की ड्यूटी लाइबिलिटी है वो माफ कर दो गवर्नमेंट ने एडवांस ऑथोराइजेशन दे दिया अब सर ये जो रॉ मटेरियल्स मेरे फैक्ट्री में आए इसमें से नाइन्टी सर मेरे एक्सपोर्ट करने में यूज हो गए वो फाइव का जो रॉ मटेरियल है सर वो बच गया वो बच गया तो सर क्या वो मैं रॉ मटेरियल क्या वो मैं इंडिया में बेच सकता हूं द आंसर इज नो मैं ऐसा सच उसे बेच भी नहीं सकता सर मेरे पास अगर एडवांस ऑथोराइजेशन में भी लिमिट्स रहेगी तो सर क्या एडवांस ऑथोराइजेशन लेट सपोज मुझे इश्यू किया था 1.2 करोड़ का बट मैंने अभी तक रॉ मटेरियल लेके आया सिर्फ एक करोड़ का तो सर वो 20 लाख अभी भी पेंडिंग है क्या मैं वो बेच सकता हूं द आंसर इज नो एडवांस ऑथोराइजेशन आर नॉट ट्रेडेबल It is not tradable, it is not transferable even after completion of the export obligation. Yadato simple hai guys. Yes. Next. Export proceeds shall be realized in freely convertible currency. In case of export to SEZ.

दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है देखो गाइस क्या डिफरेंस है ये समझना इसमें क्या होगा इसमें एक पर्सन के पास एक एक्सपोर्ट ऑर्डर है yes, an export order. Sir, ये एज एन एक्सपोर्ट ऑर्डर सर ये एक्सपोर्ट ऑर्डर ये पहले गवर्नमेंट को बोलता है कि देखो मेरे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर है मैं एक्सपोर्ट करने वाला हूं इसने एक्सपोर्ट कर दिया अब सर इसने एक्सपोर्ट कर दिया है ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर दिया है सर अब इन फ्यूचर भी तो क्या इसके एक्सपोर्ट होते रहेंगे यस yes. तो सर फ्यूचर के एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए ये गवर्नमेंट के पास जाके अब बोलता है कि मैंने ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर दिया है अब मुझे फ्यूचर एक्सपोर्ट्स के लिए रॉ मटेरियल चाहिए जो मैं फ्यूचर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के लिए यूज करूंगा सो so ये एक्सपोर्ट उसने कर दिया है उसने ऑलरेडी ये एक्सपोर्ट कर दिया है अब वो गवर्नमेंट के पास लेके जाएगा कि देखो एक्सपोर्ट ऑब्लिकेशन मेरा ऑलरेडी हो चुका है एडवांस uh, ऑथोराइजेशन में क्या होता था एडवांस ऑथोराइजेशन में ये जो रॉ मटेरियल आप लेकर हो ना इसके बदले में अब आपको ये एक्सपोर्ट ऑब्लिकेशन फुलफिल करना था बट यहां पे क्या हो रहा है यहां पे उसने पहले ही एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दिया है उसके बदले में अब वो इतने क्वांटिटी का वो रॉ मटेरियल लेके आएगा विच इज वी ड्यूटी फ्री ऑब्वियसली ये रॉ मटेरियल का भी वो क्या यूज करेगा ओनली फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट गाइस समझ रहे दोनों में डिफरेंस डीएफआई और एडवांस ऑथोराइजेशन में डिफरेंस डीएफआई कहना से वो प्री एक्सपोर्ट है प्री एक्सपोर्ट सॉरी एडवांस ऑथोराइजेशन एडवांस ऑथोराइजेशन इज प्री एक्सपोर्ट अभी तक एक्सपोर्ट हुआ नहीं था बट डीएफआई मतलब पहले एक्सपोर्ट हो जाएगा एक्सपोर्ट हैज बीन फुलफिल्ड उसके बाद वो डीएफआई लेगा ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन और जितना एक्सपोर्ट किया है उसके रिलेटेड अब उसको इतना क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्री ऑफ ड्यूटी विदाउट एनी पेमेंट ऑफ ड्यूटी लाने को मिलेगा और वो ये रॉ मटेरियल का भी क्या करेगा ही विल यूज इन द मैन्यूफेक्चर ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट सो वन वेरी मेन डिफरेंस बिट्वीन एडवांस ऑथोराइजेशन एंड डीएफआई इज एडवांस ऑथोराइजेशन इज प्री एक्सपोर्ट ड्यूटी एक्जशन स्कीम डीएफआई इज पोस्ट एक्सपोर्ट बेनिफिट DFIA is used is issued to allow duty-free inputs, fuel, oil, energy source, catalyst, which are required for production of the export product. Only BCD is exempt. Credit is available of IGST compensation says excise duty. Drawback is available where credit or exemption has not been taken. DFIA shall be issued on post-export basis. फॉर प्रोडक्ट्स फॉर विच साइन नॉर्म्स है मेन डिस्टिंक्शन बिटवीन एडवांस ऑथोराइजेशन एंड डीएफआई एडवांस ऑथोराइजेशन ये साइन नॉम्स में भी हो सकता था या सेल्फ रेटिफिकेशन में भी होता था सेल्फ डिक्लेरेशन में भी होता था वो सबके लिए भी होता था बट यहां पर डीएफआई इट इज ओनली फॉर दो प्रोडक्ट जिसके लिए साइन नॉम्स है क्या सर सपोर्टिंग मैन्युफेक्चर को भी मिल सकता है द आंसर इज यस मर्चेंट एक्सपोर्टर शेल बी रिक्वायर्ड टू मेंशन द नेम एंड एड्रेस ऑफ द सपोर्टिंग मैनुफेक्चर वैल्यू एडिशन परसेंटेज सर यहां पे 20 परसेंट का वैल्यू एडिशन चाहिए डीएफआई में ट्वेंटी परसेंट की रिक्वायरमेंट है एडवांस ऑथोराइजेशन में फिफ्टीन परसेंट का रहता था ओके नो डीएफआई शेल बी इश्यूड फॉर एन इनपुट विच इज सब्जेक्टेड टू प्री इंपोर्ट कंडीशन और साइन प्रिस्क्राइब्स एक्चुअल यूजर कंडीशन ठीक है कुछ पर्पज के लिए डीएफआई नहीं भी इश्यू किया जाएगा दैट इज ओके नेक्स्ट अनदर मेन इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन इज गाइस क्या एडवांस ऑथोराइजेशन ट्रांसफरेबल था क्या नहीं बट डीएफआई इज ट्रांसफरेबल यू हैव डीएफआई विच इज ट्रांसफरेबल गाइस तो इसकी वैलिडिटी कितनी रहती है तो इसकी वैलिडिटी ट्वेल्व मंथ की रहती है गाइस सो डीएफआई इज अ पोस्ट एक्सपोर्ट फैसिलिटी टू इंपोर्ट इनपुट्स विच आर गोइंग टू बी यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट और ये एक्सपोर्ट आपको कितने टाइम पीरियड में करना है ये ट्वेल्व मंथ्स में करना है विदाउट पेमेंट ऑफ एनी विदाउट पेमेंट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी सब्जेक्ट टू ट्वेंटी परसेंट ऑफ द वैल्यू एडिशन एडवांस ऑथोराइजेशन में आपकी सारी ड्यूटी माफ होती थी बट डीएफआई में आपकी सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी ही माफ होगी सो देर आर डिस्टिंक्शन बिटवीन एडवांस ऑथोराइजेशन एंड डीएफआई स्कीम ये डिस्टिंक्शन आप लिस्ट डाउन कर लेना गाइस तो आपको आसानी रहेगी गाइस और इतना डिस्टिंक्शन ही याद रखो जनरली दे विल ट्रिगर वैल्यू एडिशन क्वेश्चन वेदर इट इज ट्रांसफरेबल और नॉट ट्रांसफरेबल एडवांस ऑथोराइजेशन में कौन कौन सी ड्यूटी एग्जाम है या ड्यूटी फ्री लेकर आ सकते हो यहां पे कौन कौन सी ड्यूटी फ्री लेके आ सकते हो आप यस नेक्स्ट वॉट आर वी आर गोइंग टू डू इज ईपीसीजी वॉट इज ईपीसीजी सर अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो रॉ मटेरियल्स की बात कर रहे थे सर अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट करने के लिए क्या मैं कोई कैपिटल गुड्स भी लेके आ सकता हूँ क्या कोई मशीनरीज भी लेके आ सकता हूं यस yes. और सर अगर मैं कैपिटल गुड्स लेके आऊंगा सर यूज वैल्यू का कैपिटल गुड्स रहेगा तो उस पर यूज कस्टम ड्यूटी आती रहेगी उससे मैं एक्सपोर्ट करने वाला हूं सर प्रोडक्ट्स तो गाइस ईपीसीजी स्कीम में क्या होता है कि हम गवर्नमेंट को बोलते हैं कि आई हैव आई वॉन्ट टू इम्पोर्ट अ कैपिटल गुड्स और इससे मैं एक्सपोर्ट करने वाला हूँ प्रोडक्ट बट ऑब्वियसली ये जो एक्सपोर्ट करूंगा ये थोड़ी ना कैपिटल गुड्स अगर मैंने लिया हुआ है तो इसको तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए चलाऊंगा ना गाइस तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने यहां पे स्कीम में क्या निकाला हुआ है गवर्नमेंट बोलता है कि देखो हम ये नहीं चाहते कि आप मैं आप कैपिटल गुड्स लेके और मैं आपको बोलूं कि विद इन सिक्स मंथ्स आप एक्सपोर्ट कंप्लीट कर लो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दो नॉट पॉसिबल गाइस ये कैपिटल गुड्स को तो मैं दस साल चलाऊंगा गाइस बीस साल चलाऊंगा तो एक्सपोर्ट ऑब्लीगेशन मुझे कितने टाइम पीरियड तक के लिए और कितना करना पड़ेगा तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि लेटर्स एज्यूम कि आप जो कैपिटल गुड्स लेके आए वो सौ करोड़ का लेके आए और इस पे जो टोटल कस्टम ड्यूटीज जो बनती है टोटल कस्टम ड्यूटी एज्यूम कर रहा हूं लेट सपोज दैट इज ट्वेंटी करोड़ तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि आप ये बीस करोड़ की ड्यूटी हमें पे नहीं करोगे आपकी बीस करोड़ की ड्यूटी हमें बचा, हमने बचा दी गाइस बट यू हैव टू डू एन एक्सपोर्ट ऑब्लिकेशन और एक्सपोर्ट ऑब्लिकेशन कितना सर तो बोलते ड्यूटी सेव सिक्स टाइम्स ऑफ योर ड्यूटी सेव तो सर मैंने बीस करोड़ की ड्यूटी बचाई है तो मेरे को एक्सपोर्ट कितना करना पड़ेगा एक सौ बीस करोड़ का करना पड़ेगा सर एक्सपोर्ट बट सर क्या एक ही साल में करना है एक ही साल में नहीं छह साल में सिक्स इयर्स सिक्स टाइम्स इयर्स टाइम्स सो सिंपल तो गाइस टू फैसिलिटेट इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर प्रोड्यूसिंग क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस टू एनहांस इंडिया एक्सपोर्ट इंसेंटिव कंपेरिटिवीपीसीजी अलाउ इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर मैं कैपिटल गुड्स किन किन पर्पज के लिए लेके आ सकता हूं वो लोग बोलते हैं प्री प्रोडक्शन अभी तक आपका प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है सर उसके प्रायर कुछ एक्टिविटीज है उसके भी लेके आ सकता हूं द आंसर इज यस फॉर योर प्रोडक्शन यस और प्रोडक्शन के बाद पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए भी लेके आ सकता हूं द आंसर इज यस इट इज फॉर प्री प्रोडक्शन प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन एट जीरो ड्यूटी इवन सेकंड कैपिटल गुड्स एंड पावर सेक्टर ऑल्सो अलाउड पिटल गुड्स इंपोर्टेड अंडर ईपीसीजी स्कीम फॉर फिजिकल एक्सपोर्ट्स आर एक्जेम फ्रॉम आईजीएसटी एंड कम्पेंसेशन से आईजीएसटी और कंपेंसेशन से तो एक्मटी है तो आपकी यहां पर जो ड्यूटी लगेगी वो ड्यूटी भी कौन सी कौन सी लगने वाली है बीसीडी और सोशल वेलफेयर सर चार्ज नेक्स्ट सर क्या वो डोमेस्टिकली भी प्रोक्योर कर सकता है द आंसर इज येस अ पर्सन होल्डिंग एंड ईपीसीजी ऑथोराइजेशन मे सोर्स कैपिटल गुड्स फ्रोम अ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर सच डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर शेल बी एलिजिबल फॉर डीम्ड एक्सपोर्ट बेनिफिट हमने पहले किया था इस एडवांस ऑथोराइजेशन में आप गवर्नमेंट को बोलो कि मुझे गुड्स चाहिए और गवर्नमेंट आपको ईपीसीजी वो ऑथोराइजेशन देगा फिर वंस यू हैवेट ऑथोराइजेशन आपके पास दो ऑप्शन है आइर आप आउटसाइड इंडिया से खरीदो या आप विद इन इंडिया से खरीदो विद इन इंडिया से अगर खरीदो। आप खरीदोगे तो जो वो सप्लायर है उसके लिए यह डीम्ड एक्सपोर्ट बेनिफिट हो जाएगा

मतलब वो इसके कैलकुलेशन में भी चला जाएगा पॉजिटिव एन के नेक्स्ट सर मैं कौन कौन से कैपिटल गुड्स लेके आ सकता हूं तो आप ये सारे कैपिटल गुड्स लेके आ सकते हो सर इसकी वैलिडिटी क्या रहती है द ऑथोराइजेशन विल बी वैलिड फॉर ट्वेंटी फोर रीवैलिडेशन इज नॉट परमिटेड कवरेज सर स्कीम किस किस को कवर करेगा तो बोल दे मैन्युफेक्चर को कवर करेगा वो आर विद और विदाउट सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर्स मर्चेंट एक्सपोर्टर्स को कवर करेंगे एंड सर्विस प्रोवाइडर्स को कवर करेंगे इन शॉर्ट सभी को कवर कर रहेगा गाइस ट्रेडर्स को भी कर रहे मैन्युफैक्चरर्स को भी कर रहे हैं सर्विस प्रोवाइडर्स को भी कर रहे हैं नेक्स्ट इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स शेल बी सब्जेक्ट टू एक्चुअल यूजर कंडीशन मतलब जिसके पास वो ऑथोराइजेशन है वो ही लेके आ सकता है टिल एक्सपोर्ट ऑब्लीकेशन इज कंप्लीटेड और सर मेरा कितना एक्सपोर्ट ऑब्लीकेशन है बोलो ना बेटा कितना एक्सपोर्ट ऑब्लीकेशन है तो आपने जितना ड्यूटी बचाया जितना ड्यूटी बचाया उसका सिक्स टाइम्स नेक्स्ट सर अगर मैंने डोमेस्टिकली प्रोक्योर किया है तो नेशनल कस्टम्स ड्यूटी बचाया आपने नोशनल कस्टम्स ड्यूटी बचाया यस yes. तो 4.5 पॉइंट फाइव टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू थोड़ा सा बेनिफिट दिया हुआ है ये बेनिफिट क्यों दिया हुआ है जस्ट टू जस्ट टू गिव इंसेंटिव या uh, 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 ये ईपीसीजी होल्डर्स ईपीसीजी ऑथोराइजेशन होल्डर्स इनको बोलेंगे कि आप डोमेस्टिकली ज्यादा प्रोक्योर करो डू दैट उनके लिए वो लोग ने बोला है कि अगर आप डोमेस्टिकली प्रोक्योर कर दोगे तो आपके लिए एक्सपोर्ट ऑब्लिकेशन छह साल में फोर पॉइंट फाइव टाइम्स ही रहेगा बट हां अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो फिर छह साल में सिक्स टाइम्स रहेगा अच्छा आई जी एस टी और कंपेंसेशन इज पेड बट नो क्रेडिट टेकन नॉट टू बी कंसिडर फॉर कॉम्प्यूटिंग एक्सपोर्ट ऑब्लीगेशन

क्या आप नॉर्मली भी एक, एक एक्सपोर्टर ही रहोगे यस तो आप क्या नॉर्मली एक्सपोर्ट करते ही रहोगे यस सर अगर मैं नॉर्मली एक्सपोर्ट कर ही रहा हूं ठीक है लेट सपोज मैंने लास्ट ईयर बीस करोड़ का एक्सपोर्ट किया है और मैं ईपीसीजी के ऑथोराइजेशन में लेके आया अब सर जो मुझे एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है ये तो मैं ठीक है ना सर मैं एक्सपोर्ट कर ही रहा हूं तो मैं जो मैं एक्सपोर्ट करता हूं वो सारे मेरे क्या एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन में चले जाएंगे तो बोलते नहीं ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है वो लोग क्या बोलते हैं आप समझना गाइस इफ दिस इज एक्स पर्सन जो नॉर्मली एक्सपोर्ट्स करता है गाइस जो नॉर्मली एक्सपोर्ट्स कर रहा है गाइस अब जब वो ईपीसीजी लेके जब वो कैपिटल गुड्स लेके आया अब सर अब जब वो एक्सपोर्ट करेगा ना तो सर पीछे के हम पीछे के सालों के एवरेज एक्सपोर्ट्स निकालेंगे ठीक है सर उसका एवरेज एक्सपोर्ट निकालेंगे मतलब इतना तो वो नॉर्मली करता है उसके पास जो मशीन रहेगा वो यूज करके वो इतना तो नॉर्मली करता है जब वो ये मशीन लेके आया तो अब वो जो एक्सपोर्ट कर रहा है गाइस वो ये लेवल से प्लस कर, होना चाहिए माई एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन शुड बी ओवर एंड अबाउ ओवर एंड अबाउ द एवरेज एक्सपोर्ट जो वो कर रहा है गाइस द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इज ओवर एंड अबाउ द एवरेज लेवल ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ द लास्ट थ्री इयर्स एंड लेट अस अंडरस्टैंड लास्ट थ्री इयर्स उसने एक्सपोर्ट्स किए हैं दस करोड़ पंद्रह करोड़ एंड थर्टी फाइव करोड़ ठीक है लास्ट थ्री ईयर उसने इतना एक्सपोर्ट्स किए तो इसका एवरेज निकाला जाएगा ट्वेंटी करोड़ तो ट्वेंटी करोड़ के ऊपर वो जो एक्सपोर्ट्स करेगा ना गाइस वो ये एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन में जाएगा और सर अगर ये छह साल में मेरा छह टाइम्स नहीं हुआ तो गाइस आपकी जितनी ड्यूटी बची थी जितनी ड्यूटी सेव किया था गवर्नमेंट वो पूरा रिकवर करेगा विथ पेनल्टी एंड विथ इंटरेस्ट तो दिस पॉइंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फिर वो लोग आगे एक पॉइंट क्या बोलते हैं ईओ इज टू बी फुलफिल्ड इन सिक्स साल में करना है ना ये यस बट इफ सेवेंटी फाइव परसेंट एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इज कंप्लीटेड विद इन फर्स्ट थ्री ईयर्स बेटा पहले ही तीन साल में उसने 75 परसेंट का जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन था वो ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है इन दैट केस उसका जो बैलेंस एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है ना उसको वेव ऑफ किया जाएगा वो नहीं करेगा तो भी चलेगा आप इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो आपने 75 परसेंट तो पहले तीन साल में खत्म कर दिया बस तो बाकी ये करने की जरूरत नहीं है Guys, अच्छा जीएसटी में जो डीम्ड एक्सपोर्ट्स है क्या वही डीम्ड एक्सपोर्ट्स एफटीपी में भी होने चाहिए क्या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं आंसर इज यस यस एफटीपी एफटीपी माइट हैव इट्स ओन क्राइटेरिया फॉर एक्सपोर्ट्स तो सर यहां पे कौन कौन से डीम्ड एक्सपोर्ट रहेंगे दिस इज फॉर एफटीपी जीएसटी हमने किया था वो अलग था गाइस वो जीएसटी के लिए डीम्ड एक्सपोर्ट थे एफटीपी के लिए क्या रहेंगे वो देख लो एक बार गुड्स डू नॉट लिव कंट्री

वो सप्लायर के लिए डी एक्सपोर्ट हो जाएगा यस नेक्स्ट सप्लाई बाय मेन और सब कॉन्ट्रैक्टर टू प्रोजेक्ट्स फाइनेंस बाय मल्टीलेटरल और बायलेटोल एजेंसी आईसीबी इंटरनेशनल बॉडी है कोई एनी मेगा पावर प्रोजेक्ट्स अंडर कस्टम एक्सिबिशन और यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो सर अगर ये सप्लाईज भी हुए ना सर कोई एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसने यूएन को सप्लाई किया या मेगा पावर प्रोजेक्ट को सप्लाई किया तो वो भी डीम्ड एक्सपोर्ट के क्राइटेरिया में आ जाएगा और डीम्ड एक्सपोर्ट अगर आप बन गए तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा सर विजुलाइज करो ना आपको बेनिफिट क्या मिलेगा क्या वो सप्लायर क्या वो खुद एडवांस ऑथोराइजेशन ले सकता है द आंसर इज यस

रिफंड ऑफ ड्रॉबैक इन द फॉर्म ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑफ इनपुट्स यूज इन द मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई शेल बी आईदर ऑन ऑल इंडस्ट्री रेट एस स्पेसिफाइड इन डीबी के शेड्यूल और ऑन द ब्रांड रेट बेसिस सर जो ड्यूटी ड्रॉबैक के जो कंसेप्ट गाइस डीम्ड एक्सपोर्ट के लिए गाइस उनको आइदर ये ए आई आर बेसिस पे मिलेगा ऑल इंडस्ट्री रेट बेसिस पे या फिर ब्रांड रेट बेसिस पे पहले सिर्फ ब्रांडेड मिलता था अब ए आई आर के बेसिस पे भी वो लोग दे रहे हैं, गाइस व्हाट वी हैव इज ईओयू मैं गाइस एक ब्रीफली डिस्कस कर रहा हूं इसके लिए ईओयू के लिए ये आप पढ़ लेना गाइस थोड़ा सा ड्राई टॉपिक है तो इसके बाद के अभी जो पॉइंट्स है गाइस ये आप घर पे पढ़ लेना मैक्सिमाइज यहां तक आपका गाइस एफ हो चुका है ठीक है basically होते क्या है गाईस? वो government को बोल दे कि हमें तो सिर्फ एक्सपोर्ट्स ही करने हैं, तो आप जो है ना हमें एक रिक्निशन दे दो और हम बनती कोशिश करेंगे कि हम एक्सपोर्ट ही करेंगे बस थोड़ा बहुत जो है ना वो इंडिया में बेचेंगे और ऑब्वियसली हमें बहुत सारे इंपोर्ट्स भी करने रहेंगे इसके रिलेटेड यस ईओयू okay. को दे हैव टू मेंटेन नेट फॉरेन एक्सचेंज पॉजिटिव उनको ना सर एक पांच साल का ब्लॉक दिया जाता है और वो पांच साल के ब्लॉक में उनको नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स पॉजिटिव रखनी पड़ती है गाइस यस ईओयू को ये क्या बेनिफिट है गाइस उसको क्या एप्लीकेशन अच्छा एप्लीकेशन है अप्रूवल कमिटी और द बोर्ड ऑफ अप्रूवल On uh, benefit, kya hai? they can export their entire production of goods and services and can import inputs and capital goods without payment of custom duty. On approval, a letter of permission, letter of intent shall be issued by the DC or designated officers to your unit, and same shall have the validity as per handbook of procedures. इनको ये सारे फॉलोइंग बेनिफिट है गाइस ये तो जो डीटीए वाला सप्लाई करता रहेगा उसके लिए ये बेनिफिट है उनको भी क्या क्या बेनिफिट मिलेगा वो नीचे दिया हुआ है गाइस तो ये आप गाइस पढ़ लेना लेट्स जस्ट डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस आल्सो गाइस विच इज अ गवर्निंग लेजिसलेन फॉर एफटीपी हमने किया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इसके लिए जो एक्ट बनता है दैट इज फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट इफ एनी डाउट अराइज इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ एफटीपी द सेम डाउट शुड बी फॉरवर्डेड टू सीबीआईसी हुजन विल बी फाइनल बाइंडिंग अरे एफटीपी का मैटर है तो वो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में क्यों जाएगा नहीं वो तो डीजीएफटी के पास जाएगा यस yes. और डीजीएफटी का जो डिसीजन रहेगा दैट विल बी फाइनल ऑथोराइजेशन वंस क्लेम बाय द इंपोर्टर कैन नॉट बी रिफ्यूज बाय डीजीएफटी अरे ऑथोराइजेशन मिलना थोड़ी राइट थोड़ी ना इट इज अ परमिशन इट कैन बी रिजेक्टेड आईसी इज अक ट्वेल्व डिजिट पैन बेस्ड नंबर नहीं 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 आईसी आइदर आपका जीएसटीएन नंबर रहेगा और अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो आपका पैन रहेगा

थर्ड पार्टी एक्सपोर्टर है और जो मैन्युफैक्चरर है दोनों के नाम शिपिंग बिल में होने चाहिए तो यहां पे लिखा है थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट मीन्स दिस द कंडीशन विस एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट एज ए शिपिंग बिल वो दोनों के नाम मेंशन करने चाहिए और बीआरसी एक्सपोर्ट ऑर्डर इनवॉइस ये थर्ड पार्टी एक्सपोर्टर के नाम होने चाहिए इन द अबाउ केस अपने पास ये सब कुछ थर्ड पार्टी एक्सपोर्टर पे है बट शिपिंग बिल डज नॉट कंटेन द नेम ऑफ एबी

क्या लगता है वैसे तो उस पर ड्यूटी कुछ भी नहीं है इंपोर्ट पे कोई ड्यूटी नहीं है बट क्या सेकेंड हैंड लैपटॉप के लिए कोई ऑथोराइजेशन की जरूरत है द आंसर इज यस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट हाउ एवर फॉर द रेस्ट ऑफ द इनपुट टू एप्लाई फॉर एडवांस ऑथोराइजेशन कैन यू डू सो क्या एडवांस ऑथोराइजेशन के लिए ऐसा है क्या कि मैं सारे के सारे प्रोडक्ट्स बाहर से ही लेके आऊ तो, तो होगा नहीं कुछ प्रोडक्ट्स आप इंडिया से भी ले सकते हो कुछ बाहर से भी ले सकते हो जो इंडिया में आपने ड्यूटी पे करके लिया उसके लिए आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा फिर Flintex manufacturers manufacture goods by using imported inputs and supply the same under aid program of the UN. deemed Export criteria. The payment for the supply is received in free foreign exchange. Can they seek advance authorization for the supply? Yes. XYZ has imported inputs without payment of duty under advance authorization. The CIF value is 10 lakhs. The inputs are processed and the final product is exported. एक्सपोर्ट्स मेड बाई एक्स वाइजेड आर सब्जेक्ट टू जनरल रेट ऑफ द वैल्यूडिशन प्रिस्क्राइबर एडवांस एडवांस ऑथोराइजेशन में मुझे कितना वैल्यू एडिशन पड़ता है इनपुट इज टेन लेक्स अच्छा ये केयरफुल देखना पेटा सी आईफ वैल्यू ऑफ द इनपुट इज टेनलेक्स हमें क्या करना है हमें हम जितना एक्सपोर्ट करेंगे माइनस जितना हमें इनपुट सी आई एफ वैल्यू ऑफ द इनपुट कितना है डिवाइड बाई बी इन टू हंड्रेड तो अपने एग्जाम्पल में गाइस a का वैल्यू मिनिमम वैल्यू ऑफ एक् एक्सपोर्ट यह कितना होना चाहिए जस्ट टू मेक अ पॉइंट नोट हियर गाइस वो लोग कभी क्या कर सकते हैं वो लोग ऐसे बोल सकते हैं द एफओबी वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट इज फिफ्टीन लैक्स एफओबी वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट इज फिफ्टीन लैक्स एंड इट इज इट इज सेटिस्फाइंग द क्रेडिट ऑफ फिफ्टीन परसेंट ऑफ द वैल्यू एडिशन तो वो कितना इनपुट्स लेके आ सकता है आपको शायद से ये ये फॉर दिया रहेगा और आपको पूछा जाएगा कि बी कितना ले सकता है वो तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं नेक्स्ट विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन रिलेटिंग टू ईओयूसटीपी एस टीपी आंसर द फॉलोइंग यूनिट इंटेंडिंग टू ट्रेड

EOU has started production after 4 years 10 months from the date of grant of letter of permission. Now, EOU related points, hai guys, specific points, hai. read this answer. And last. During FY 1920, S Private Limited has made export of safety valves coming under chapter heading 8481. Realized value of the exports is 50 crores in shipping bill. No, in, in realized value है ये और shipping bill में कितना है 55. उसको benefit कितने माल मिलने वाला है 3%. बोलो MIA script में कितना मिलेगा 50 और 55, which ever is less, उसका 3%. उतना ऐसे उतना MIA script मिलेगा guys. वन मोर पॉइंट जो गाइस लेफ्ट आउट हो गया है अपने नोट्स में गाइस नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बट ठीक है अभी है तो मैं करवा देता हूं आपको एमएसएमई सेक्टर जो है ना है गाइस अगर कोई पर्सन एमएसएमई सेक्टर में है तो हमने पॉइंट किया था स्टेटस होल्डर्स का वो याद है थ्री मिलियन डॉलर ट्वेंटी फाइव मिलियन डॉलर स्टेटस होल्डर के लिए तो गाइस स्टेटस होल्डर के लिए एमएसएमई सेक्टर के लिए वो लोग ने बोला है कि एमएसएमई होल्डर जो भी एक्सपोर्ट करेंगे ना उनका डबल वैल्यू लिया जाएगा डबल वेटेज लिया जाएगा मतलब अगर मैं एक करोड़ का एक्सपोर्ट करूं तो वो दो करोड़ का माना जाएगा अगर बीस करोड़ का करूं तो चालीस करोड़ का माना जाएगा डबल वेटेज गिना जाएगा और डबल वेटेज गिनने के बाद आप उसको बोलो कि आप एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट हाउस में कौन से क्राइटेरिया में जाओगे बस इतना ही चेंज है तो ये एमएसएमई सेक्टर है उसने कुछ एक्सपोर्ट्स किया हुआ है कितना किया हुआ है दिस वैल्यू दिस वैल्यू एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है Guys, दोनों के लिए अपने को डबल वेटेज लेना पड़ेगा गाइस सो फॉर दिस विल हैव है फॉर ट्वेंटी लैक्स विल हैव फोर्टी लैक्स एंड फॉर फाइव लैक्स विल हैव टेन लैक्स ठीक है ऑल दिस इज इन यूएस डॉलर वैल्यू तो टोटल मिला के मेरा कितना हो गया फिफ्टी लैक्स फिफ्टी वन लैक्स डॉलर मतलब फाइव पॉइंट वन मिलियन डॉलर तो थ्री मिलियन के ऊपर हो गया डेरफोर यू कैन अप्लाई फॉर वन स्टार एक्सपोर्ट गाइस इतना जो है गाइस बस एफटीपी में इतना ही करके जाना आपको जितने आरटीपी के क्वेश्चंस मिल जाए पीछे चार पांच अटेम्प्ट के आर के क्वेश्चंस कर लो जो एग्जामिनेशन क्वेश्चंस है वो कर लो इससे अलावा और कुछ मत करना गाइस डोंट लुक एट स्टडी मॉडल स्टडी मॉडल देखना है तो सिर्फ क्वेश्चन देखना और एकाद चैप्टर तो यार रट्टे पास कर सकते हो यार तुम लोग ठीक है सो बाई दिस गाइज वी आर डन विथ एफ थैंक यू गाइज